सो हेलो एवरीवन, दिस इज सीएस अनित सराफ, योर फ्रेंड, मेंटर एंड कोच। सो कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। एंड हियर कम्स द वीडियो यू वर वेटिंग फॉर, दैट इज द अमेंडमेंट्स फॉर सीए फाइनल लॉ फॉर द अपकमिंग May 22 एग्जामिनेशंस। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग अगेन, आपको लॉ के अमेंडमेंट्स के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। जो अमेंडमेंट्स हैं बहुत ही माइनर, राइट? आराम से 1 घंटे का टाइम देकर आप सारे के सारे लॉ के अमेंडमेंट्स कवर कर सकते हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द अमेंडमेंट वीडियो, एक बार आप क्या करो, फटाफट यार ये अमेंडमेंट शीट डाउनलोड कर लो। कैसे डाउनलोड करेंगे? वेबसाइट विजिट कीजिए www.apnamental.com। तो जो हमारा वेबसाइट है उसको विजिट कीजिए www.apnamental.com, और वहां पे फ्री रिसोर्सेज के सेगमेंट में जाइए। फ्री रिसोर्सेज के सेगमेंट में जाकर आप लो अमेंडमेंट शीट वहां पे सर्च कर सकते हो, और आपको वहां पे फ्री डाउनलोड्स में मिल जाएगा। तो यू कैन जस्ट डाउनलोड फ्रॉम देयर। तो एक बार लॉ अमेंडमेंट शीट डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद मेरे साथ आगे बढ़िए। अब देखना, ये जो भी अमेंडमेंट्स आया है ना लॉ का May 22 एग्जामिनेशन के लिए, रेदर आई कैन से फॉर November 22 एग्जामिनेशन एज वेल, इसके दो प्राइमरी सोर्सेज हैं। इसके दो प्राइमरी सोर्सेज हैं, एक है आरटीपी May 22, एक है आरटीपी May 22, और दूसरा है October 21 स्टडी मटेरियल। तो टू प्राइमरी सोर्सेज ऑफ अमेंडमेंट, वन इज द आरटीपी एंड अदर इज द आईसीआई स्टडी मटेरियल। तो अगेन, आपको भटकने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है कौन सा अमेंडमेंट आरटीपी में है, कौन सा आरटीपी में नहीं है। वो मेहनत मैंने कर दी आपके लिए, वो रिसर्च मैंने कर दिया आपके लिए। तो जो आरटीपी में था उसको आरटीपी से ले लिया, जो आरटीपी में नहीं था मगर आईसीआई ने अपने लेटेस्ट स्टडी एडिशन ऑफ स्टडी मैट के अंदर वो चेंजेस कर रखे थे, मैंने वहां से इनकॉर्पोरेट कर लिया। एंड अकॉर्डिंगली ये सारे अमेंडमेंट्स आपके साथ इकट्ठा सामने आपके सामने रख दिया। अब दिखने में आपको दिखाई दे रहा होगा, अरे सर 10 चैप्टर्स में अमेंडमेंट है, बट प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, 2 अमेंडमेंट्स है, एकदम माइनर अमेंडमेंट्स है, मतलब 2-2 मिनट के अमेंडमेंट्स है हर चैप्टर में, राइट? सिर्फ एक फॉर्मुला है जिसमें आपको कुछ देखने को मिलेगा कि ठीक है यार, 4-5 सेक्शंस हैं जो नए सेक्शन ऐड किया था आईसीआई ने। उसके अलावा आप देखोगे टुच्चे अमेंडमेंट्स हैं सारे के सारे चैप्टर में, कुछ पढ़ने लायक नहीं है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब देखना यहाँ पे जो आपको इंडेक्स दिख रहा है, इसमें यू कैन सी व्हाट आर द अमेंडमेंट्स, व्हाट आर द टॉपिक्स। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, तो इसमें आप देख सकते हो कि Rule 6 के अंदर एक अमेंडमेंट दिया हुआ है। अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स में Rule 6 के अंदर एक अमेंडमेंट दिया हुआ है। अब Rule 6 किस चीज के बारे में था, याद करो, एग्जम्पशन फ्रॉम ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, है ना? तो अगेन वो जो एग्जम्पशन थे फ्रॉम ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, उसमें ही एक पॉइंट बस ऐड कर दिया, एग्जम्पशन के लिस्ट को थोड़ा सा इनलार्ज कर दिया। तो दिस इज द स्मॉल अमेंडमेंट इन डायरेक्टर्स। उसके बाद आप इंडेक्स में देखोगे, द चैप्टर नेम इज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स। तो इसके अंदर जो Rule 4 था, दैट इज मैटर्स नॉट टू बी डेल्ट विद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऐसे कौन से मैटर्स हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डील नहीं किया जा सकता, तो उसको ऑल टुगेदर ऑमिट कर दिया गया है, दिस इज अनदर अमेंडमेंट। उसके अलावा वी हैव द चैप्टर ऑफ इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन। तो इसके अंदर बेसिकली Rule 5 था कि जब भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह होता है तो एक सिक्योरिटी जमा करना पड़ता है, तो उसका वहां पे अमाउंट चेंज हुआ। तो ये जो अमेंडमेंट है ये बेसिकली स्टडी मैट के थ्रू आया है, तो दिस इज अनदर अमेंडमेंट दैट वी आर गोइंग टू सी। उसके बाद फॉरेन कंपनीज, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया के अंदर आप देखोगे एक माइनर चेंज है, राइट? कुछ कंपनीज को रिलैक्स किया गया है फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ फ्यू सेक्शंस, ज्यादा कुछ नहीं देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद सेबी लोडर रेगुलेशंस के अंदर कुछ रेगुलेशंस आपको चेंजेस मिलेंगे, जो कि बेसिकली कॉमन है ऑडिट लॉ के लिए, क्योंकि ऑडिट के अंदर भी वी हैव ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड लॉ के अंदर भी वी हैव सेबी लोडर रेगुलेशंस। तो बेसिकली वो कॉमन चेंजेस आपको देखने को मिलेगा बोथ इन ऑडिट एज वेल एज लॉ। उसके अलावा फेमा 1999 के अंदर एक आधा माइनर अमेंडमेंट आपको दिखाई देगा। FCRA एक्ट के अंदर एज सच मैं बोलूंगा कोई अमेंडमेंट नहीं है FCRA एक्ट के अंदर, बट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो पहले स्टडी मैट में नहीं था, अब स्टडी मैट में ऐड कर दिया आईसीआई ने, पहले सिर्फ रूल्स में था, तो उसको भी मैंने यहां पे ऐड कर दिया। उसके अलावा फॉर्मुला के अंदर आई कैन से कि यस, 4-5 सेक्शन ऐसे होंगे जो कि अपने को देखना रहेगा। आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन एक्ट 1996 के अंदर अगेन माइनर अमेंडमेंट्स हैं, एंड आईबीसी कोड 2016 के अंदर अगेन माइनर अमेंडमेंट्स हैं। जो मेजर अमेंडमेंट्स है वो पिछली बार आ गया था आईबीसी में, इस बार सारे के सारे माइनर अमेंडमेंट्स हैं। तो कहने को आपको 10 चैप्टर्स दिखाई देगा, बट लेट मी टेल यू, ऑल द अमेंडमेंट्स आर मैनेजेबल, ऑल द अमेंडमेंट्स आर माइनर, राइट? तो सबसे पहले जो पहला चैप्टर है अपना, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स Rule 6। तो Rule 6 क्या था, व्हाट वाज Rule 6? ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। तो हर एक व्यक्ति जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, उसको क्या करना होता था, तो नाम डाटा बैंक में इंक्लूड कराना होता था, एक ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट कंडक्ट करना होता था विद इन 2 ईयर्स ऑफ गेटिंग हिज नेम इंक्लूडेड इन द डाटाबेस,
है ना। और 2 साल के अंदर अगर ऑनलाइन प्रोफेशनल सेल्फ असेसमेंट टेस्ट पास नहीं किया तो उसका नाम डेटाबेस से हट जाएगा। तो वो ऑनलाइन प्रोफेशनल सेल्फ असेसमेंट टेस्ट का अपन ने सारा रिक्वायरमेंट देखा था कि 50% पास परसेंटेज होता है, कितने भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट दिया जा सकता है। अब उसके बाद ना काफी सारे एग्जम्पशंस दिया था कि ऐसा कौन सा इंडिविजुअल होगा जिसको ऑनलाइन प्रोफेशन से सेल्फ असेसमेंट टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो देयर वर अ लॉट ऑफ एग्जम्पशंस ग्रांटेड टू इंडिविजुअल्स हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू पास द ऑनलाइन प्रोफेशन से सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। तो जो पहला एग्जम्पशन था उसमें था कि अगर एक इंडिविजुअल कम से कम 3 सालों से डायरेक्टर है, केएमपी है किसी लिस्टेड कंपनी का, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 CR या ज्यादा है, या किसी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट का जो कि लिस्टेड है किसी रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, राइट, या किसी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट का जो इनकॉर्पोरेटेड इंडिया के बाहर बट जिसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो US$2 बिलियन या उससे ज्यादा है, या किसी ऐसे स्टेचुरी कॉर्पोरेशन का जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर बना हुआ है। तो ये सारा पहले से था, ये सारा पहले से था। अब यहां पे नया क्या आया है, व्हाट इज द न्यू पार्ट, इसमें नया क्या आया है? तो देखना जो पॉइंट नंबर बी है ना, ये यहां पे नया ऐड हुआ है। पॉइंट नंबर जो बी है यहां पे नया ऐड हुआ है, मतलब एग्जम्पशंस की लिस्ट में एक और एग्जम्पशन ऐड कर दिया, एग्जम्पशंस की लिस्ट को इनलार्ज कर दिया। अब क्या बोला, अगर कोई इंडिविजुअल पे स्केल में है ऑफ डायरेक्टर और इक्विवेलेंट और अबव इन एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो अगर कोई भी इंडिविजुअल पे स्केल में है, किसके पे स्केल में है, डायरेक्टर या इक्विवेलेंट व्यक्ति के पे स्केल में है, राइट, इन एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एंड साथ ही साथ उसके पास एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है इन हैंडलिंग कॉमर्स मैटर्स रिलेटिंग टू कॉमर्स कॉर्पोरेट अफेयर्स फाइनेंस इंडस्ट्री और पब्लिक एंटरप्राइजेस, और या फिर अफेयर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट कंपनीज और स्टैचुरी कॉर्पोरेशन सेटअप अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और एनी स्टेट एक्ट एंड कैरिंग आउट कमर्शियल एक्टिविटीज। तो कोई भी इंडिविजुअल अगर पे स्केल में है, किसके पे स्केल में, डायरेक्टर के या इक्विवेलेंट के या उससे भी ऊपर आता है कोई, उससे भी ऊपर पोस्ट है कोई, किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में सीजी का या एसजी का, और साथ ही साथ एक्सपीरियंस है इन हैंडलिंग मैटर्स रिलेटिंग टू ई कॉमर्स रिलेटिंग टू कॉमर्स कॉर्पोरेट अफेयर्स फाइनेंस इंडस्ट्री या पब्लिक एंटरप्राइजेस, या फिर अफेयर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट कंपनीज और स्टैचुरी कॉर्पोरेशन, तो बोला गया कि ऐसे व्यक्ति को ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी से सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी अज्यूम कि ऑलरेडी उसको अच्छा खासा नॉलेज है इन मैटर्स में, प्लस उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो ऐसे इंडिविजुअल्स को एग्जम्प्ट कर दिया फ्रॉम गिविंग ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी से सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। उसके अलावा आप देखोगे प्रोफेशनल्स के लिए भी सर्टन एग्जम्पशन दिया हुआ है, लास्ट में एक प्रोविजो ऐड किया है, प्रोफेशनल्स के लिए भी सर्टन एग्जम्पशन ऐड किया है। बोले अगर कोई इंडिविजुअल एटलीस्ट 10 सालों से एडवोकेट है किसी कोर्ट का, या फिर इन प्रैक्टिस एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इन प्रैक्टिस एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट है, या इन प्रैक्टिस एज ए कंपनी सेक्रेटरी है, तो उस व्यक्ति को भी ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी से सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। मतलब वो जो कॉमर्स के 4 पिलर्स होते हैं ना, एक सीए, एक सीएस, एक सीडब्ल्यूए, एक एडवोकेट, जो कॉमर्स के 4 पिलर्स होते हैं, तो बेसिकली अगर आप 10 साल से एडवोकेट हैं किसी कोर्ट में, या फिर सीए इन प्रैक्टिस हैं, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हैं, या सीएस इन प्रैक्टिस हैं, तो भैया आपको ऑनलाइन प्रोफेशन से सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, बोला है फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, बोला है फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, कि अगर आप 10 सालों से एडवोकेट है किसी कोर्ट के, या इन प्रैक्टिस एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या इन प्रैक्टिस एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट है, या इन प्रैक्टिस एज ए कंपनी सेक्रेटरी है, तो आपको ऑनलाइन प्रोफेशनल सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर 10 ईयर्स का रिक्वायरमेंट है, पहले 3 ईयर्स का भी रिक्वायरमेंट था, वो अभी भी है, राइट, कि 3 सालों का अगर एक्सपीरियंस एज ए इंडिविजुअल, तो वो अलग पॉइंट था। प्रोफेशनल्स के लिए यहां पर क्या है, 10 ईयर्स। उसके अलावा देखना बोर्ड मीटिंग के चैप्टर में सिर्फ इतना बोला गया है कि जो रूल 4 था ना उसको ऑमिट कर दिया गया। तो रूल 4 बेसिकली था क्या, रूल 4 वाज सर्टेन मैटर्स जो कि हम कभी भी क्या नहीं कर सकते थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डील नहीं कर सकते थे। बोला गया था कि वहां पे फिजिकल मीटिंग मैंडेटरी है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करना है, बोर्ड रिपोर्ट को अप्रूव करना है, प्रोस्पेक्टस अप्रूव करना है, मैटर्स रिलेटेड टू एमलगमेशन, मर्जर्स, डीमर्जर्स, तो इन सर्टन सिनेरियोज में बोला गया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये चीजें नहीं हो सकती, यहां पे फिजिकल मीटिंग का होना जरूरी है। लेकिन फिर जब कोविड आ गया ना, तो कोविड आ गया तो इस चीज में रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने देना शुरू कर दिया कि भैया कोविड के नॉर्म्स चल रहे हैं, तो कोविड के नॉर्म्स चल रहे हैं तो फिजिकल मीटिंग बुलाना पॉसिबल नहीं है, तो बोला कि आप कुछ टाइम के लिए क्या करो, इन चीजों को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर लो। तो कोविड जब आ गया तो इन चीजों में गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन देना शुरू कर दिया, और लास्ट में अब गवर्नमेंट को समझ आ गया कि आज की तारीख में भैया कोई भी ऐसी चीज नहीं हो सकती जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं हो सकता, आज की तारीख में हर चीज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पॉसिबल है, इसलिए रूल 4 पूरा का पूरा हटा दिया, रूल 4 पूरा का पूरा ऑमिट कर दिया। उसके बाद अपने पास जो अमेंडमेंट है, दैट इज इन द चैप्टर ऑफ इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, कि जहां पे
सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर अपॉइंट करता है ना, तो एप्लीकेंट को एक सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ता है। तो बेसिकली ये सिर्फ एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है, इफ एट ऑल द क्वेश्चन इज आस्क्ड। तो यहाँ पे ये जो सिक्योरिटी अमाउंट है ये मॉडिफाई हुआ है, आरटीपी में आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, स्टडी मैट में मिलेगा। तो रूल 5 के अंदर बोला गया है, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंस्पेक्टर अंडर सेक्शन 210 सबसेक्शन 3 रिक्वायर द एप्लीकेंट टू गिव ए सिक्योरिटी नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज फॉर द पेमेंट ऑफ कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एज पर द क्राइटेरिया गिवन बिलो। तो ये जो क्राइटेरिया एन अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी का, ये डिपेंडेंट है एज पर द टर्न ओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो बोला गया कि अगर टर्न ओवर एज पर द प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट अगर अपटू 50 CR है तो अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी 10,000 होगा। अगर टर्नओवर 50 CR से ज्यादा है और 200 CR तक के रेंज में आता है तो अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी 15,000 होगा। लेकिन अगर टर्नओवर का अमाउंट 200 CR से ज्यादा है तो अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी 25,000 होगा, एंड इन नो केस वो 25,000 रुपए एक्सीड नहीं कर सकता। तो इन्वेस्टिगेशन का जब भी मामला आए तो सिक्योरिटी का मैक्सिमम अमाउंट 25,000 ही हो सकता है। और ये जो सिक्योरिटी का अमाउंट है ये किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, एज पर द टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट। तो अगर टर्नओवर 50 CR तक ही है तो अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी 10,000 होगा। टर्नओवर 50 CR से ज्यादा है बट अप टू 200 CR है तो अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी 15,000 होगा। और टर्नओवर 200 CR से ज्यादा है तो अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी 25,000 होगा। और अगर बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ और इन्वेस्टिगेशन की वजह से प्रोसिक्यूशन रिजल्ट हो गया, सचमुच फ्रॉड वगैरह का पता चल गया, तो ये जो सिक्योरिटी अमाउंट है ये एप्लीकेंट को रिफंड कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेंट जेन्युइन था, यहाँ पे एप्लीकेंट ने जो वजह बताई थी इन्वेस्टिगेशन की वो सही थी, तो अकॉर्डिंगली सिक्योरिटी मनी जो है उसे रिफंड कर दिया जाएगा। उसके बाद अगेन फॉरेन कंपनीज के चैप्टर में दो छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं बेसिकली। पहला है क्लैरिफिकेशन ऑफ व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक मोड, क्लैरिफिकेशन ऑफ व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक मोड इन द डेफिनेशन गिवन इन सेक्शन 2 क्लॉज 42। तो सेक्शन 2 क्लॉज 42 का जो डेफिनेशन था कि फॉरेन कंपनी क्या है, तो फॉरेन कंपनी मतलब कोई भी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है बट जो इंडिया में बिजनेस कैरी आउट कर रहा है, या तो फिजिकली कैरी आउट कर रहा है या इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू कैरी आउट कर रहा है ना। अब जब इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब हमने देखा था, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में काफी चीजें आ सकती थी, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन आ सकते थे, बिजनेस टू कस्टम कंज्यूमर ट्रांजेक्शन आ सकते थे, B2B, B2C, फाइनेंशियल सेटलमेंट्स, वेब बेस्ड मार्केटिंग, राइट, टेली मार्केटिंग सर्विसेज, टेलीकॉलिंग सर्विसेज, टेली मेडिसिन सर्विसेज, डाटा कम्युनिकेशन सर्विसेज, क्लाउड कंप्यूटिंग, बहुत सारी चीजें हैं जो आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर आ सकती हैं। तो वो पूरा का पूरा लिस्ट दिया हुआ था। अब यहां पे बेसिकली जस्ट एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है, एंड द क्लैरिफिकेशन इज देखना, एक्सप्लेनेशन यहां पे दिया हुआ है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटीज सब्सक्रिप्शन देयर ऑफ और लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर सेट अप अंडर सेक्शन 18 ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स शैल नॉट बी कंस्टिट्यूट एज इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो बोला गया कि जब हम यहां पे इस पर्टिकुलर क्लॉज की बात कर रहे हैं, जब हम इलेक्ट्रॉनिक मोड की बात कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटीज है, सब्सक्रिप्शन है, या सिक्योरिटीज की जो लिस्टिंग होती है IFSC में, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के अंदर, जो कि सेटअप होता है इन द एसेज दैट स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स। तो स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स ऐसे ज़ोन्स होते हैं जहां पे बहुत सारा एग्जम्पशन दिया रहता है गवर्नमेंट के थ्रू, है ना, कि वहां पे टैक्स वगैरह नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, आप सस्ते में प्रोडक्ट बनाइए फिर एक्सपोर्ट कीजिए। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर ही सेटअप होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स, जिसको बेसिकली एक फॉरेन पार्ट माना जाता है, जैसे गुजरात के अंदर सेटअप है। तो यहां पे बोला गया कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटीज है, सब्सक्रिप्शन है, या फिर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड नहीं माना जाएगा। ये नहीं माना जाएगा कि उसका इलेक्ट्रॉनिक मोड है, ये नहीं माना जाएगा कि उसका इलेक्ट्रॉनिक मोड है। तो किसी कंपनी ने यार अपना शेयर लिस्ट करा रखा है, अपना सिक्योरिटी लिस्ट करा रखा है इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स, तो हम ये नहीं मानेंगे कि उसका, यू नो दैट कंपनी इज ऑपरेटिंग इन इंडिया वी इलेक्ट्रॉनिक मोड, और उसे फॉरेन कंपनी नहीं मान लेंगे। दैट इज व्हाट द क्लैरिफिकेशन सेज। उसके बाद एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है, एक एग्जम्पशन है बेसिकली सेक्शन 393A के तहत। बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे एग्जम्प्ट कर रहा है फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 387 टू 392 द फॉलोइंग कंपनीज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना इन कैटेगरी ऑफ कंपनीज को सेक्शन 387 से 392 के प्रोविजन से एग्जम्पशन ग्रांट कर रहा है। किसको? एक तो फॉरेन कंपनीज को, और दूसरा कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड और टू बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, whether the company has or has not established or when formed may or may not establish a place of business in India, in so far as they relate to offering for subscription in the securities, requirement relating to prospectus
एंड ऑल मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर सेट अप अंडर सेक्शन 18 ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो दे हैव क्लैरिफाइड कि प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 387 टू 392 एप्लीकेबल नहीं है। किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? फॉरेन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। मतलब एग्जम्पशन ग्रांट किया गया फॉरेन कंपनीज को फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 387 टू 392। अब देखना जो आईएफएससी होता है ना अंडर द एससीज एक्ट, जो आईएफएससी होता है अंडर द एससीज एक्ट, दैट इज जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर होता है ना अंडर द एससीज एक्ट अंडर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उनको एक फॉरेन प्लेस का ही दर्जा दिया गया है लॉ के अंदर। उनको एक फॉरेन प्लेस का ही दर्जा दिया गया है लॉ के अंदर एंड सो दैट इज व्हाई दे हैव एडेड दिस पॉइंट नंबर बी। तो इसलिए उन्होंने पॉइंट नंबर बी भी ऐड कर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे एग्जम्पशन दे रहा है फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 387 टू 392 टू द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कंपनीज। और प्रैक्टिकली अगर हम देखें जब हम एग्जम्पशन की बात कर रहे हैं तो सेक्शन 387 टू 392 के अंदर क्या क्या चीजें कवर हो जाएंगी। तो जब भी कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू करता है ना, जब भी कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू करता है तो बोला गया कि सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग there are many additional disclosures that is to be needed to be given in the prospectus. तो section 26 है जिसमें काफी सारी चीजें क्या होती हैं prospectus के अंदर disclose करनी होती हैं। उसके अलावा we have section 34, we have section 35, तो ये सारा prospectus से related है। तो basically ये जो prospectus से related जो sections है ना इनसे exemption grant किया गया है, जो prospectus से related sections है इनसे exemption grant किया गया है। तो section 387 to 392 आप देखोगे अच्छे से तो उसके अंदर वो prospectus related part आता है, तो वो जो prospectus related part है ना उससे exemption grant किया गया from the to the foreign companies और to the companies जो कि incorporated है or to be incorporated outside India whether the company has or has not established or when formed may or may not establish a place of business in India इन सो फार एज दे रिलेट टू द ऑफरिंग फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज इन द आईएफएससी। तो अगर इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं भी है बट स्टिल दे ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन इन द सिक्योरिटीज इन द आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर जो कि सेटअप है इन द एसएज एक्ट, तो उनको भी एग्जम्पशन ग्रांट किया गया। उसके बाद जो एग्जम्पशन आता है वो आता है सेबी लोडर रेगुलेशंस के चैप्टर में। तो सेबी लोडर रेगुलेशन का जो चैप्टर है इसके अमेंडमेंट्स ऑलरेडी अपन ने ऑडिट में बहुत अच्छे से देखे हैं। तो जो ऑडिट का अमेंडमेंट वीडियो होगा ना उसके अंदर आप देखोगे कि इन इस पार्टिकुलर चैप्टर के अमेंडमेंट्स मैंने ज्यादा डिटेल में देखे हैं, यहां मैं थोड़ा फटाफट डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। तो देखना सबसे पहले रेगुलेशन नंबर 3 एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रेगुलेशंस, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेबी लोडर रेगुलेशंस। तो अगेन यहां पे देखो एप्लीकेबिलिटी दिया हुआ है सेबी लोडर रेगुलेशंस का कि सेबी लोडर रेगुलेशंस किन के ऊपर एप्लीकेबल है। तो हर एक लिस्टेड एंटिटी जिसने अपने सेक्रेटरी को लिस्ट करा रखी है, अब लिस्ट कराने के 3 प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं। एक तो होता है मेन बोर्ड, तो जो भी लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनका सिक्योरिटीज मेनली मेन बोर्ड में लिस्टेड होता है। एक होता है एसएमई एक्सचेंज, तो जो छोटी मोटी लिस्टेड कंपनीज वगैरह होती हैं ना उनका शेयर वगैरह एसएमई एक्सचेंज में लिस्टेड होता है। और एक होता है इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, एक होता है इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। तो या तो सिक्योरिटीज मेन बोर्ड में लिस्टेड होती हैं, या तो एसएमई एक्सचेंज में लिस्टेड होता है, या तो इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म में लिस्टेड होता है। तो सिक्योरिटी चाहे मेन बोर्ड में लिस्टेड हो या एसएमई एक्सचेंज में लिस्टेड हो या इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म में लिस्टेड हो, सेबी लोडर हमेशा एप्लीकेबल होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां सारी सिक्योरिटीज का नाम दिया गया है, चाहे आईडीआर लिस्ट की भी हो दैट इज इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, या जो सरफासी एक्ट के अंदर सिक्योरिटी रिसिप्ट्स इशू किया जाता है बाय द सिक्योरिटाइजेशन कंपनीज, चाहे वो लिस्टेड हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स हो, चाहे सिक्योरिटाइज डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स हो, यहां पे हर किसी सिक्योरिटी का नाम दिया गया है कि सेबी लोडर हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे आईडीआर लिस्टेड हो, चाहे सिक्योरिटाइज डेप्ट इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे सिक्योरिटी रिसिप्ट हो, चाहे यूनिट्स इशूड बाय म्यूचुअल फंड हो। अब यहां पे आप देखोगे नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को भी ऐड कर दिया गया कि अगर नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज की बात करें तो नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के केस में भी सेबी लोडर एप्लीकेबल है। अगर एक लिस्टेड एंटिटी ने अपना नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी भी क्या करा रखा है, लिस्ट करा रखा है इन द स्टॉक एक्सचेंजेस, तब भी सेबी लोडर एप्लीकेबल है। अब देखिएगा आप जब एप्लीकेशन ऑफ सेबी लोडर देखते हो ना तो कभी कभी सेबी लोडर का जो एप्लीकेबिलिटी होता है वो डिपेंड करता है अपॉन सर्टन थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया। फॉर एग्जांपल रिस्क मैनेजमेंट कमिटी की बात करें, तो अगर रिस्क मैनेजमेंट कमिटी की बात करें तो रिस्क मैनेजमेंट कमिटी का जो कॉन्सेप्ट है किसी भी लिस्टेड कंपनी में तब एप्लीकेबल होगा अगर वो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज के कैटेगरी में फॉल करता है, टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज के कैटेगरी में फॉल करता है, वरना वो कॉन्सेप्ट उनके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होगा।
राइट, टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी की कैटेगरी में अगर कोई कंपनी फॉल कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कैपिटलाइजेशन, सिर्फ तब जाकर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। तो यहां पे क्लैरिफिकेशन दिया है कि एक बार अगर प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गए ना, वो हमेशा एप्लीकेबल होंगे इवन दो बाद में लिमिट्स कमी क्यों ना हो जाए। तो अगर एक बार एंटिटी वो 1000 में के क्राइटेरिया में आ गया, टॉप 1000 के क्राइटेरिया में आ गया मान लीजिए, और आरएमसी का कॉन्सेप्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल हो गया, तो बाद में भले ही वो 1000 के क्राइटेरिया से हट जाए, 2000वें नंबर पे पहुंच जाए, 3000वें नंबर पे पहुंच जाए, टॉप 5000 पे आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वंस द क्राइटेरिया इज एप्लीकेबल, देन इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल, देन इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल। सिमिलरली आज की तारीख में बोला गया है कि ये जो रेगुलेशंस है ना, ये एप्लीकेबल होंगे उन एंटिटीज को जहां पे डेप्थ की वैल्यू बहुत ज्यादा है, जहां पे डेप्थ की वैल्यू बहुत ज्यादा है, जिसको हम बोलते हैं हाई वैल्यू डेप्थ लिस्टेड एंटिटीज। बेसिकली अगर हम देखेंगे क्राइटेरिया, तो कोई भी ऐसा एंटिटी जिसका डेप्थ 500 सीआर या 500 सीआर से ज्यादा है, जिसका डेप्थ जो है 500 सीआर या 500 सीआर से ज्यादा है, तो बोलेंगे वहां डेप्थ बहुत ज्यादा है। राइट, हाई वैल्यू डेप्थ लिस्टेड एंटिटीज। तो अगेन बोला गया है कि अगर एक बार एंटिटी क्लासिफाई हो जाए एज ए हाई वैल्यू डेप्थ लिस्टेड एंटिटी, देन इन दैट पार्टिकुलर सिनेरियो भले ही बाद में डेप्थ कम क्यों ना हो जाए, तब भी ये प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। सिमिलरली अगर ये कुछ भी रेगुलेशन इस चैप्टर का किसी कंपनी में एप्लीकेबल हो जाए एक बार, तो वो हमेशा एप्लीकेबल रहेगा भले ही बाद में वो थ्रेशोल्ड के नीचे क्यों ना गिर जाए, जैसे हमने आरएमसी का एग्जाम्पल दिया, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी का एग्जाम्पल लिया। उसके बाद वी हैव रेगुलेशन 17 एंड रेगुलेशन 17A, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। यू कैन मार्क दिस कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। तो एमसीक्यू के लिए मैं बोलूंगा कि यार ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोला गया रेगुलेशन 17 के अंदर, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज शैल कंप्राइज ऑफ नॉट लेस देन 6 डायरेक्टर्स। तो नॉर्मली मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, ओबीसी के केस में 1 होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी के केस में 2 होने चाहिए, पब्लिक कंपनी के केस में 3 होने चाहिए। लेकिन अगर एक कंपनी के ऊपर सेबी ऑर्डर एप्लीकेबल है और वो टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज में फॉल करता है, तो बोला गया मिनिमम 6 डायरेक्टर्स होने ही चाहिए। तो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा वी हैव रेगुलेशन नंबर 17A, दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप याद करो, सेक्शन 165 जो कि नॉर्मल कंपनीज के केस में बात करता था कि एक व्यक्ति मैक्सिमम 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है, जिसमें मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनीज हो सकती हैं और उसके सर्टन एक्सेप्शन थे, है ना। तो यहां पे सेबी लोड रेगुलेशन के अंदर वी हैव रेगुलेशन 17A जो कहता है एक व्यक्ति मैक्सिमम 7 लिस्टेड एंटिटीज के केस में ही डायरेक्टर हो सकता है। एक व्यक्ति मैक्सिमम 7 लिस्टेड एंटिटीज के केस में ही डायरेक्टर हो सकता है। तो द डायरेक्टर्स ऑफ द लिस्टेड एंटिटी शैल कंप्लाई विद द फॉलोइंग कंडीशंस विद रिस्पेक्ट ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप इंक्लूडिंग एनी ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप दैट कैन बी हेल्ड बाय देम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ए पर्सन शैल नॉट बी अ डायरेक्टर इन मोर देन 7 लिस्टेड एंटिटीज प्रोवाइडेड दैट ए पर्सन शैल नॉट सर्व एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन मोर देन 7 लिस्टेड एंटिटीज। तो यहां पे क्या बोला गया है, तो बेसिकली यहां पे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 लॉ मेकर ने रिक्वायरमेंट इंसर्ट किया कि एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 7 लिस्टेड एंटिटीज में डायरेक्टर होगा, और उसके बाद एक प्रोवाइजो इंसर्ट किया और प्रोवाइजो इंसर्ट करके बोला ए पर्सन शैल नॉट सर्व एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन मोर देन 7 लिस्टेड एंटिटीज। तो ये सारे के सारे रिक्वायरमेंट एमसीक्यू के लिए याद रखना है। उसके बाद देखना क्या बोला, नॉट विदस्टैंडिंग द अबव, यानी जो भी ऊपर लिखा गया है वो भार में जाए, ओवरराइडिंग व्हाटएवर इज रिटन अबव, एनी पर्सन हु इज सर्विंग एज ए होल टाइम डायरेक्टर ऑफ लिक मैनेजिंग डायरेक्टर इन एनी लिस्टेड एंटिटी शैल सर्व एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन नॉट मोर देन 3 लिस्टेड एंटिटीज। यानी वैसे तो एक इंडिविजुअल मैक्सिमम 7 लिस्टेड एंटिटीज तक में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है, लेकिन अगर वो किसी कंपनी में ऑलरेडी एक होल टाइम डायरेक्टर है या मैनेजिंग डायरेक्टर है, अगर वो किसी लिस्टेड एंटिटी के अंदर ऑलरेडी एक होल टाइम डायरेक्टर है या मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो वो ज्यादा से ज्यादा 3 ही लिस्टेड एंटिटीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। अब यहां पर ध्यान रखने की बात क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस रेगुलेशन द काउंट फॉर द नंबर ऑफ लिस्टेड एंटिटीज ऑन विच ए पर्सन इज अ डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी ओनली दोज हुज इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड फॉर ए स्टॉक एक्सचेंज। तो यहां पर सिर्फ इक्विटी की बात हो रही है सर, इक्विटी का लिस्ट होना स्टॉक एक्सचेंज में मैंडेटरी है। तो जब बात आ रही है ना कि ए पर्सन कैन बी ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन मैक्सिमम 7 कंपनीज, या अगर एक बंदा ऑलरेडी होल टाइम डायरेक्टर है किसी कंपनी का, तो वो मैक्सिमम 3 ही लिस्टेड कंपनीज के अंदर क्या बन सकता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। तो यहां पे उन लिस्टेड कंपनीज की बात हो रही है जिनकी इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में। तो अगर कोई लिस्टेड कंपनी है जिसका इक्विटी भी लिस्टेड है, प्रेफरेंस भी लिस्टेड है, तो ऑब्वियसली वो कंपनी भी कवर होगा, लेकिन इक्विटी का होना जरूरी है। कोई एक लिस्टेड एंटिटी ऐसा है जिसका सिर्फ डेप्थ लिस्टेड है, इक्विटी लिस्टेड ही नहीं है, तो वो यहां पे कवर नहीं होगा, ठीक है ना। दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर कि यहां पे वही लिस्टेड एंटिटीज कवर होंगी जिसका इक्विटी लिस्टेड है।
इक्विटी भी लिस्टेड है, डेप्थ भी लिस्टेड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सिर्फ डेप्थ लिस्टेड है तो यहां पे कवर नहीं होगा, फॉर द पर्पस ऑफ दिस रेगुलेशन कवर नहीं होगा। तो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। तो रेगुलेशन 17 एंड 17 ए आई कैन से दैट इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज इन पार्टिकुलर। उसके बाद वी हैव रेगुलेशन नंबर 26, रेस्ट्रिक्शन ऑन कमिटी मेंबरशिप। ये भी आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, रेदर आई विल से केस स्टडीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अगेन सेबी लोटा रेगुलेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 10 कमिटीज में मेंबर हो सकता है या 5 कमिटीज में चेयरपर्सन हो सकता है अक्रॉस ऑल लिस्टेड एंटिटीज इन विच ही इज अ डायरेक्टर। तो ये बात ऑलरेडी हमने सेबी लोटा रेगुलेशन में पढ़ा था, है ना। अब इसके अंदर क्लैरिफिकेशन है, क्या क्लैरिफिकेशन है, दैट जब हम लिमिट काउंट करेंगे ना, दैट यू नो ही इज अ मेंबर इन 10 कमिटीज और ए चेयरपर्सन इन 5 कमिटीज, तो जब अपन ये लिमिट काउंट करेंगे ना, तो इसके अंदर जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं उन सबको इंक्लूड किया जाएगा, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो। तो ऑल पब्लिक लिमिटेड कंपनीज वेदर लिस्टेड और नॉट शैल बी इंक्लूडेड। लेकिन अगर हम बात करें तो बाकी जितनी भी कंपनीज हैं इंक्लूडिंग द प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, फॉरेन कंपनीज, हाई वैल्यू डेप्थ लिस्टेड एंटिटीज एंड सेक्शन 8 कंपनीज शैल बी एक्सक्लूडेड। क्या मतलब हो गया कि जब लिमिट काउंट करेंगे कि एक पर्सन कहीं 10 कमिटी से ज्यादा में मेंबर तो नहीं है या 5 कमिटी से ज्यादा में चेयरपर्सन तो नहीं है, तो इसके अंदर हम लोग प्राइवेट लिस्टेड कंपनीज को इग्नोर कर देंगे, इसके अंदर हम लोग फॉरेन कंपनीज को इग्नोर कर देंगे, इसके अंदर अब जो नया एडिशन है पहले नहीं था हाई वैल्यू डेप्थ लिस्टेड एंटिटीज को इग्नोर कर देंगे, और सेक्शन 8 कंपनीज यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को भी इग्नोर कर देंगे। और हाई वैल्यू डेप्थ लिस्टेड एंटिटीज क्या हो गया, कोई भी एक ऐसा एंटिटी जिसका डेप्थ 500 सीआर या 500 सीआर से ज्यादा है, कोई भी एंटिटी जिसका जो डेप्थ है वो 500 सीआर या 500 सीआर से ज्यादा है। तो जब हम काउंट करेंगे इस लिमिट को, दैट ए पर्सन शुड नॉट बी ए मेंबर इन मोर देन 10 कमिटीज और ए चेयरपर्सन इन मोर देन 5 कमिटीज, इसमें जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है उनको काउंट करेंगे, बाकी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है एक्सक्लूड कर देंगे, फॉरेन कंपनीज को एक्सक्लूड कर देंगे, हाई वैल्यू डेप्थ लिस्टेड एंटिटीज को एक्सक्लूड कर देंगे, और जो सेक्शन 8 कंपनीज उनको एक्सक्लूड कर देंगे। और यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है कि फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ दिस लिमिट चेयरपर्सनशिप एंड मेंबरशिप ऑफ द ऑडिट कमिटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी अलोन शैल बी कंसीडर्ड, राइट। सो अगेन दिस इज द क्लैरिफिकेशन दैट दे हैव गिवन। उसके बाद वी हैव रेगुलेशन 27, अदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द फॉर्मेट एज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम विद इन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो पहले ये 15 डेज था, अभी 21 डेज है, तो अगेन एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस सबमिट करना होगा विद इन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। सो अगेन दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर फॉर एमसीक्यू। और उसके बाद आता है रेगुलेशन नंबर 21, दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इन दिस चैप्टर, द सेबी लोटा रेगुलेशंस। तो देखना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी कंस्टिट्यूट करना है। रिस्क मैनेजमेंट कमिटी के अंदर मिनिमम 3 मेंबर्स होने चाहिए, जिसमें से मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स इंक्लूडिंग वन इंडिपेंडेंट, जिसमें से मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स क्या होने चाहिए, अगेन इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो द रिस्क मैनेजमेंट कमिटी शैल हैव मिनिमम 3 मेंबर्स विद मेजोरिटी ऑफ देम बीइंग द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। तो बोला कि मिनिमम 3 मेंबर्स होने चाहिए, जिसमें से मेजोरिटी ऑफ देम बीओडी के मेंबर्स होने चाहिए, इंक्लूडिंग एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जिसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रेजेंट होना जरूरी है, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रेजेंट होना जरूरी है। तो मिनिमम 3 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम बीओडी के मेंबर्स होने चाहिए, एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना प्रेजेंट होना जरूरी है। और अगर एक लिस्टेड एंटिटी है जिसके पास आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर्स है, एसआर इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या हो गया, स्पेशल राइट, सुपरियर राइट इक्विटी शेयर्स। तो कुछ ऐसे लिस्टेड एंटिटीज होती हैं जो सुपरियर राइट इक्विटी शेयर्स इशू करती हैं, मतलब सम इक्विटी शेयर्स विच हैव स्पेशल राइट्स। मे बी एक मेंबर को अपने इक्विटी, मे बी कुछ मेंबर्स को अपने इक्विटी शेयर इशू कर दिया कि भले ही तुम्हारे पास शेयर एक शेयर हो, बट एक शेयर के बदले तुमको 2 वोट मिलेगा। तो देखना होगा कि क्या लिस्टेड एंटिटी ने एसआर इक्विटी शेयर इशू करा है। तो अगर एक लिस्टेड एंटिटी है जिसके पास आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर्स है, तो यहां बोला गया है एटलीस्ट 2/3 ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमिटी शैल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए यहां बोला गया है एटलीस्ट 2/3 ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमिटी शैल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड द एसआर इक्विटी शेयर्स शैल हैव द सेम फेस वैल्यू एज द ऑर्डिनरी शेयर्स। अब देखना यहां पे रिस्क मैनेजमेंट कमिटी साल में 2 बार मिलेगा, पहले 1 बार था, साल में 2 बार हो गया, इंपॉर्टेंट है, साल में 2 बार मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें
तो यहाँ पे कॉरम की रिक्वायरमेंट, द कॉरम फॉर द मीटिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमिटी शैल बी अदर टू मेंबर्स और 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमिटी विच एवर इज हायर। तो कॉरम का रिक्वायरमेंट भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है रिस्क मैनेजमेंट कमिटी का, कि अदर टू मेंबर्स प्रेजेंट रहने चाहिए या फिर 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ कमिटी विच एवर इज हायर इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ द बीओडी इन अटेंडेंस। उसके बाद बोला गया है दैट द मीटिंग्स ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमिटी शैल बी कंडक्टेड इन अ मैनर दैट ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस नॉट मोर देन 180 डेज शैल इलैप्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मीटिंग्स। तो दो मीटिंग्स के बीच 180 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का साल में दो बार मिलना जरूरी है और दो मीटिंग्स के बीच 180 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अब देखना यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, पहले रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का जो कॉन्सेप्ट था ना वो टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर एप्लीकेबल था, लेकिन अब वो टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज बन गया है टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, और साथ ही साथ जो हाई वैल्यू डेप्थ लिस्टेड एंटिटीज हैं उनको भी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी कंस्टिट्यूट करना होगा। और हाई वैल्यू डेप्थ लिस्टेड एंटिटी का मतलब तो पता है कि जहां डेप्थ बहुत ज्यादा है, जहां डेप्थ जो है वो 500 सीआर या 500 सीआर से ज्यादा है। तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का जो कॉन्सेप्ट है वो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर एप्लीकेबल है डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन एज एट द एंड ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और साथ ही साथ जो भी हाई वैल्यू डेप्थ लिस्टेड एंटिटी है उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है। और एक बार ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो गया तो हमेशा एप्लीकेबल रहेगा, भली बात में थ्रेशोल्ड लिमिट कम क्यों ना हो जाए। ये तो हमने एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेमी लोडेड रेगुलेशंस में भी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था। उसके बाद वी हैव रेगुलेशन 24 सब रेगुलेशन 5 मैनेजमेंट ऑफ सब्सिडरी कंपनीज। तो याद करो हमने वहां पे क्या डिस्कस किया था कि अगर एक लिस्टेड एंटिटी डिस्पोज ऑफ करता है शेयर्स इन इट्स मेटल सब्सिडरी, अगर एक लिस्टेड एंटिटी डिस्पोज ऑफ करता है शेयर्स इन इट्स मेटल सब्सिडरी जिसकी वजह से जो शेयर होल्डिंग है वो रिड्यूस हो जाता है टू लेस देन 50%, है ना, जिसकी वजह से वो जो शेयर होल्डिंग है वो रिड्यूस हो जाता है टू लेस देन 50%, मतलब जो मेजोरिटी कंट्रोल है वो खत्म हो जाता है, तो वहां पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, वहां पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, वहां पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है एक्सेप्ट इन केसेस वेयर सच डाइवेस्टमेंट इज मेड अंडर ए स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट और अंडर आईबीसी कोड, और अंडर आईबीसी कोड, ऐसा हमने डिस्कस किया था। अब यहां पे ना वो वर्डिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है, जो लेस देन 50% हुआ करता था वो लेस देन और इक्वल टू 50% बन गया है। तो जो लेस देन 50% हुआ करता था वो लेस देन और इक्वल टू 50% बन गया है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। ए लिस्टेड एंटिटी शैल नॉट डिस्पोज ऑफ शेयर्स इन इट्स मटेरियल सब्सिडरी रिजल्टिंग इन रिडक्शन ऑफ इट्स शेयर होल्डिंग टू लेस देन और इक्वल टू 50% और सिज द एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल ओवर द सब्सिडरी विदाउट पासिंग ए स्पेशल रिजोल्यूशन इन इट्स जनरल मीटिंग एक्सेप्ट इन केसेस वेयर सच डाइवेस्टमेंट इज मेड अंडर ए स्कीम ऑफ अरेंजमेंट ड्यूली अप्रूव्ड बाय द कोर्ट ऑफ द ट्रिब्यूनल और अंडर द रिजोल्यूशन प्लान ड्यूली अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 31 ऑफ द आईबीसी कोड। ठीक है ना, तो ऑलरेडी सेम चीज हमने डिस्कस किया था कि अगर मेटल सब्सिडरी को डिस्पोज ऑफ करने की वजह से जो शेयर होल्डिंग है वो 50% से कम रह जाता है तो वहां पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, लेकिन अगर वो जो डाइवेस्टमेंट है वो अंडर स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट है जिसको कोर्ट ने अप्रूव किया है या आईबीसी कोड के तहत एक रिजोल्यूशन प्लान के तहत है जिसको अप्रूव किया गया है, सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन एसआर पास करने की जरूरत नहीं है। अब वहां पे लेस देन की जगह हो गया है लेस देन और इक्वल टू 50%, सो दिस इज द ओनली चेंज, बट अगेन इंपॉर्टेंट चेंज। तो आप देखोगे कि जो सेबी लोडर रेगुलेशंस का चैप्टर है ना, इसके अंदर जो अमेंडमेंट्स हैं वो थोड़े काम के हैं। फिर आता है फेमा का चैप्टर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशंस 2015। इसमें मैं बोलूंगा कोई भी अमेंडमेंट काम का नहीं है, कोई भी अमेंडमेंट काम का नहीं है। रेगुलेशन 15 एडवांस पेमेंट अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स। तो यहां पर याद करो क्या पढ़ते थे हम रेगुलेशन 15 एडवांस पेमेंट अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स, कि अगर एक्सपोर्टर को ना एडवांस पेमेंट मिल गया फ्रॉम ए बायर ऑब्लिक थर्ड पार्टी, क्या मिल गया, एडवांस पेमेंट मिल गया, किस चीज के मिला ये एडवांस पेमेंट, कि भैया आप क्या कर दीजिए गुड्स को डिस्पैच कर दीजिए। एक एक्सपोर्टर है जिसने माल को एक्सपोर्ट करना है, उसको एडवांस पेमेंट मिल गया। अब एडवांस पेमेंट मिल गया तो उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आता है कि उसको एक साल तक ना गुड्स का शिपमेंट करना पड़ता है, एक साल तक गुड्स का शिपमेंट करना पड़ता है। और जो एडवांस पेमेंट मिला है उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, जो एडवांस पेमेंट मिला है उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। लेकिन वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, बोला गया कि दैट शुड नॉट एक्सीड 100 basis points ओवर द लिबोर रेट, ओवर द लंडन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। 100 बेसिस पॉइंट्स का मतलब हो गया 1%, मतलब मान लो अगर लिबोर रेट 4% है तो 4% प्लस 1% 5%, यानी 5% से ज्यादा आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते उस एडवांस के ऊपर। अब इन्होंने खाली इतना बोल के छोड़ दिया लिबोर रेट और एनी अदर एप्लीकेबल बेंचमार्क एज डायरेक्टेड बाय द आरबीआई। तो अभी के लिए क्या बोला गया, अभी के लिए बोला गया कि अगर आपको एडवांस मिला है अगेंस्ट एक्सपोर्ट तो एक साल के अंदर गुड का शिपमेंट होगा और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करोगे दैट शुड नॉट एक्सीड 100 बेसिस पॉइंट्स ओवर द लिबोर रेट।
तो अभी के लिए ये जो स्टैंडर्ड है, ये जो बेंचमार्क है, वो लिबॉर रेट है। लेकिन भविष्य के लिए बोल दिया कि अगर आरबीआई कोई और बेंचमार्क स्पेसिफाई करता है तो उस बेंचमार्क के ऊपर 1% ऐड कर दीजिएगा, एंड दैट इज द मैक्सिमम इंटरेस्ट यू कैन पे। बट वो फ्यूचर के लिए है, एज ऑफ नाउ नो अदर एप्लीकेबल बेंचमार्क इज देयर, द ओनली एप्लीकेबल बेंचमार्क इज द लिबॉर रेट। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो अमेंडमेंट है ये कोई काम का नहीं है, ये जो अमेंडमेंट है ये कोई काम का नहीं है। देन लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर सर्टन क्लैरिफिकेशन है, आईसीएआर ने अपने स्टडी मैट में दिया हुआ है। बेसिकली बेकार का है, कुछ काम का नहीं है ज्यादा। कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम तो याद होगा आपको कि जितने भी रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं इंक्लूडिंग माइनर्स, दे आर फ्रीली अलाउड टू रेमिट अप टू $2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर, दैट इज अप्रैल टू मार्च, फॉर एनी परमिसेबल करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन है कि अगर यहाँ पे रेमिटर माइनर है, अगर यहाँ पे रेमिटर माइनर है, तो जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम का जो डिक्लेरेशन फॉर्म होगा ना, वो माइनर का जो भी नेचुरल गार्जियन होगा वो काउंटर साइन करेगा। क्या करेगा? काउंटर साइन करेगा। लॉजिकल सी चीज, आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत है। एंड दिस स्कीम इज नॉट अवेलेबल टू कॉर्पोरेट्स, पार्टनरशिप फर्म्स, एचयूएफ ट्रस्ट। उसके बाद वी हैव कंसोलिडेशन ऑफ रेमिटेंस ऑफ फैमिली मेंबर्स। Remittances under the scheme can be consolidated in respect of family members, subject to individual family members complying with terms and conditions. तो बोला गया कि अगर हर एक individual member जो भी terms and conditions हैं उसको comply कर रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो remittances हैं आप उसे क्या कर सकते हो? Consolidate कर सकते हो। क्या कर सकते हो? Consolidate कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी एक family में चार लोग हैं, चार individuals हैं, चारों terms and conditions satisfy कर रहे हैं, तो चारों को अलग अलग 2.5 लाख रुपए का लिमिट मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। वहां पे क्लबिंग परमिसेबल होगा, वहां पे क्लबिंग परमिसेबल होगा। लेकिन इसके एक छोटा सा एक्सेप्शन है कि क्लबिंग परमिसेबल नहीं होगा बाय अदर फैमिली मेंबर्स फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, राइट? कि अगर वो लोग एक बैंक अकाउंट खोल रहे हैं या कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या प्रॉपर्टी वगैरह परचेज कर रहे हैं तब क्लबिंग परमिसेबल नहीं होगा, बट अदर देन दैट वो क्लबिंग पॉसिबल होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल फैमिली मेंबर्स। अगर वो सारे इंडिविजुअल फैमिली मेंबर्स क्या कर रहे हैं? टर्म्स एंड कंडीशंस को कंप्लाई कर रहे हैं, बट ज्यादा काम का नहीं है। आई कैन जस्ट से दैट, जस्ट रीड। तो आई विल से कि यार जो फेमा का अमेंडमेंट है ना, ये कोई काम का नहीं है, बिल्कुल मतलब का नहीं है। उसके बाद वी हैव FCRA, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसके अमेंडमेंट भी कोई काम का नहीं है। बेसिकली ये एक चीज पहले रूल में दिया हुआ था, बट ICAI ने अपने स्टडी मैट में उस चीज को रिकग्नाइज नहीं किया था सेक्शन में। अब ICAI ने अपने स्टडी मैट में सेक्शन में रिकग्नाइज कर दिया। ऑल्दो क्लासेस के अंदर ये बात हमने पहले डिस्कस कर लिया था इन द रूल्स। तो क्या बोला गया यहाँ पे सेक्शन 21 के अंदर? इंटीमेशन बाय कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, कि हर एक कैंडिडेट जिसने इलेक्शन लड़ने के लिए कोई भी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव किया है, वो 180 डेज के अंदर क्या करेगा? वो 180 डेज के अंदर उस चीज का इंटीमेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा। तो ये चीज रूल्स में पहले से ही था बट सेक्शन में नहीं दिया हुआ था, अब सेक्शन में इंसर्ट कर दिया है। तो एवरी कैंडिडेट फॉर इलेक्शन हु हैड रिसीव्ड एनी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एट एनी टाइम विद इन 180 डेज इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट on which he is duly nominated as a candidate shall give within such time and in such manner as may be prescribed an intimation to the central government or prescribed authority or both as to the amount of foreign contribution received by him। कौन से सोर्स से पैसा रिसीव हुआ, किससे रिसीव हुआ, किस पर्पस के लिए पैसा यूटिलाइज किया गया, ये सारी डिटेल सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करनी होगी विद इन 180 डेज, राइट? तो अगेन दिस वॉज जस्ट ए माइनर अमेंडमेंट। अच्छा, इसमें एक चीज और देखना, एक्सेप्शन के अंदर जो था, क्लबिंग इज नॉट परमिटेड बाय अदर फैमिली मेंबर्स फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन सच एज ओपनिंग ए बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, इफ दे आर नॉट द को ऑनर्स ऑब्लिक को पार्टनर्स ऑफ द ओवरसीज बैंक अकाउंट ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो इसमें भी क्या बोला गया, नॉर्मली फैमिली मेंबर्स के केस में क्लबिंग अलाउड है इन केस ऑफ लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, है ना? चार अलग अलग मेंबर्स हैं तो चारों का अलग अलग 2.5 लाख का लिमिट मिल जाएगा इफ दे आर कंप्लाइंग विद द टर्म्स एंड कंडीशंस। लेकिन अगर कोई कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन वगैरह एंटर कर रहे हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, घर वगैरह खरीद रहे हैं, तो क्लबिंग फैमिली मेंबर्स का परमिसेबल नहीं है इफ दे आर नॉट द को ऑनर्स ऑब्लिक पार्टनर्स ऑफ द ओवरसीज बैंक अकाउंट इन्वेस्टमेंट ऑब्लिक प्रॉपर्टी। यानी कि अगर वो लोग को ऑनर्स हैं या पार्टनर्स हैं उस पार्टिकुलर प्रॉपर्टी के, तो वहां पे क्लबिंग परमिसेबल है। तो सानिध्य सराफ ने अगर खुद अपने नाम पे अकाउंट खोला है, बट मेरे जो ब्रदर्स वगैरह हैं, मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं, उन लोगों ने मेरे साथ को ओनरशिप में नहीं उस प्रॉपर्टी को परचेज करी है, तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन क्लबिंग वहां पे परमिसेबल नहीं होगा। लेकिन अगर उन लोगों ने को ओनरशिप में परचेज करी है, मिलकर परचेज करी है, तो वहां पे भी क्लबिंग परमिसेबल हो जाएगा और अलग अलग 2.5 लाख का लिमिट देख लेंगे।
उसके बताता है FCRA एक्ट, दैट इज द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। तो यहाँ पे सेक्शन 21 ऐड हो गया है। अब सेक्शन 21 बेसिकली कुछ नया नहीं है, ये जिस पहले से FCRA रूल्स में था, बट नाउ दे हैव इंसर्टेड इन द सेक्शन। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है डिस्क्लोजर का। ऑब्जेक्टिव क्या है डिस्क्लोजर का? कि एक कैंडिडेट अगर इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है ना, एक कैंडिडेट अगर इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है तो ये लॉजिकल सा चीज है यार, उसको पक्का फॉरेन फंडिंग मिला होगा। 90% प्रोबेबिलिटी है कि उसको फॉरेन फंडिंग मिला होगा और उसी पैसे से ना वो इलेक्शन लड़ रहा है। ये बात एकदम मतलब फैक्ट है, 90% केसेस में आपको वो चीज देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे लॉ मेकर का जो ऑब्जेक्टिव है वो इस चीज का ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना है कि इलेक्शन लड़ने के लिए आपको कितना पैसा फॉरेन करेंसी में मिला और कहां से मिला और किस मैनर में आपने उस पैसे को यूटिलाइज करा, एंड दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्शन 21। तो सेक्शन 21 में क्या बोला है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर MCQ। एवरी कैंडिडेट फॉर इलेक्शन हु हैड रिसीव्ड एनी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एट एनी टाइम विद इन 180 डेज immediately preceding the date, mark the words immediately preceding the date on which he is duly nominated as such candidate। तो आपको हो सकता है कि ध्यान रहे कि यार जिस दिन एक बंदा खड़ा हुआ उसके बाद 180 डेज के अंदर डिस्क्लोज करना, नहीं, जिस दिन इलेक्शन के लिए वो खड़ा हुआ तो मान के चलो कि पैसा तो उसको पहले ही मिल गया, पैसा तो उसने प्लानिंग के साथ पहले रिसीव कर लिया, उसके बाद अब वो क्या कर रहा है, यूटिलाइजेशन कर रहा है उस चीज का, है ना। तो एवरी कैंडिडेट फॉर इलेक्शन who had received any foreign contribution at any time within 180 days immediately preceding the date on which he is duly nominated as such candidate shall give within such time and in such manner as may be prescribed an intimation to the central government or the prescribed authority or both as to the amount of foreign contribution received by him। कितना foreign contribution मिला, कहां से मिला, the source कहां से मिला, right, the purpose किस वजह से मिला, एंड द मैनर इन विच द फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज यूटिलाइज बाई हिम। यानी चार चीजें इंटीमेट करनी होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, पहला कितना फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन मिला, दूसरा सोर्स क्या है कहां से मिला, तीसरा किस पर्पज के लिए मिला, और चौथा किस पर्पज के लिए पैसे को यूटिलाइज किया गया। तो ये चार बातें बतानी होंगी, और कब तक बतानी होंगी, विद इन 180 डेज इमीडिएटली प्रोसीडिंग द डेट ऑन विच ही इज ड्यूली नॉमिनेटेड एज सच कैंडिडेट। उसके बाद वी हैव प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, दैट इज पॉम्ब्ला 2002। तो यहां पॉम्ब्ला के अंदर ना सर्टन एडिशंस है, सर्टन न्यू सेक्शंस दैट आर एडेड एंड वन और टू न्यू रूल्स दैट इज एडेड। तो पॉम्ब्ला के अंदर यहां पे सर्टन एडिशंस है। तो सबसे पहले सेक्शन 12 के अंदर ना रूल 3 ऐड हुआ है। अब सेक्शन 12 क्या था याद करो, रिपोर्टिंग एंटिटीज टू मेंटेन सर्टन रिकॉर्ड्स, दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स रूल्स 2005। अब इसके अंदर ना रूल 3 ऐड हुआ है। बोला गया कि जो रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं उनको क्या करना पड़ता था, उनको अल्टीमेटली आइडेंटिफाई करना पड़ता था, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता था, है ना, दे नीड टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स, सर्टेन रिकॉर्ड्स की बातें होती थी। अब स्पेसिफाई किया कि पार्टिकुलरली कौन सा रिकॉर्ड्स उन रिपोर्टिंग एंटिटीज को मेंटेन करना है। तो यहां पे 5 तरीके के रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए गए हैं। पहला, कैश ट्रांजैक्शंस ऑफ वैल्यू ऑफ मोर देन 10 लाख रुपीज इन फॉरेन करेंसी। तो जो भी कैश ट्रांजैक्शंस हुए हैं 10 लाख रुपए से ज्यादा इन फॉरेन करेंसी, उसका रिकॉर्ड क्या करना है, रिपोर्टिंग एंटिटीज को अलग से मेंटेन करना है। तो जो भी कैश ट्रांजैक्शंस हुए हैं ऑफ वैल्यू ऑफ मोर देन 10 लाख रुपीस इन फॉरेन करेंसी, उसका रिकॉर्ड अलग से रिपोर्टिंग एंटिटीज को मेंटेन करना है। उसके अलावा बोला गया है, सीरीज ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस इफ टोटल इन ए मंथ एक्सीड्स ₹10 लाख इन ए फॉरेन करेंसी। तो अगर पूरे साल भर में कोई एक सिंगल कैश ट्रांजैक्शन नहीं है बट मल्टीपल कैश ट्रांजैक्शंस हैं, बट आप उन मल्टीपल कैश ट्रांजैक्शंस का एग्रीगेट देख लोगे तो वो 10 लाख रुपीज एक्सीड हो जाता है इन फॉरेन करेंसी, तो उसका भी रिकॉर्ड क्या करना है, रिपोर्टिंग एंटिटीज को मेंटेन करके चलना है। तीसरा, कैश ट्रांजैक्शंस वेयर फोर्स्ड और काउंटरफिट करेंसी और बैंक नोट्स हैव बीन यूज्ड एज जेन्युइन। कैश ट्रांजैक्शंस वेयर फोर्स्ड और काउंटरफिट करेंसी और बैंक नोट्स हैव बीन यूज्ड एज जेन्युइन और वेयर एनी फॉर्जरी ऑफ ए वैल्यूएबल सिक्योरिटी और ए डॉक्यूमेंट हैज टेकन प्लेस फैसिलिटेटिंग द ट्रांजैक्शंस। कि मान लीजिए कि नकली नोट्स है, नकली बैंक के नोट्स है, फोर्स्ड करेंसी है, कॉन्फिस्केटेड करेंसी है, उनको ना हमने इसे जेन्युइन यूज करा, मतलब सामने वाला बंदे को पता था कि भाई वो फोर्स्ड करेंसी है, डुप्लीकेट करेंसी है, और फिर भी वो क्या कर रहा है, उसको इसे जेन्युइन करेंसी यूज कर रहा है बैंक के अंदर, तो उन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड भी क्या करना है, रिपोर्टिंग एंटिटीज को मेंटेन करके रखना है। या फिर वेयर एनी फॉर्जरी ऑफ एनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी और डॉक्यूमेंट हैज टेकन प्लेस फैसिलिटेटिंग द ट्रांजैक्शंस। तो अगर ऐसा कोई फॉर्जरी हुआ किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी का या डॉक्यूमेंट का, तो उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करके चलना है। उसके बाद देखना, अंडरलाइन द वर्ड सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस। जितने भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हुए हैं, चाहे वो कैश में हुए हों
चाहे कैश में ना हुए हो, जितने भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हुए हैं, चाहे वो कैश में हुए हो चाहे वो कैश में ना हुए हो, उनका भी रिकॉर्ड रिपोर्टिंग एंटिटीज को मेंटेन करना है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे डिपॉजिट्स के फॉर्म में हो, चाहे विड्रॉवल्स के फॉर्म में हो, चेक के फॉर्म में हो, लोन्स एडवांसेस के फॉर्म में हो, मनी ट्रांसफर के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो। क्या एग्जाम्पल्स हो सकता है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन का? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बंदा जिसके बैंक अकाउंट में नॉर्मली 1 लाख रुपए से ज्यादा कभी भी नहीं रहता है, सडनली उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा होता है। एक बंदा जिसका मंथली रेमिटेंस अकाउंट से मुश्किल से 10,000 रुपए हर महीना होता है, 10,000, 20,000, 30,000, अचानक से पता चल रहा है कि 10 लाख रुपए उसके अकाउंट में आ रहे हैं और 10 लाख में से 10 लाख अकाउंट से जा भी रहे हैं, फिर दूसरे 10 लाख आ रहे हैं, फिर 10 लाख जा भी रहे हैं। तो भैया एक बंदा जिसके अकाउंट में जो मंथली ट्रांजेक्शन है वो 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 होता था, अब वही ट्रांजेक्शन की वैल्यू 10 लाख तक पहुंच गई है, तो क्या गड़बड़ है भैया, क्या चक्कर है, है ना? मान लो एक बंदा है जिसका डीलिंग हमेशा लोकल सिटी के अंदर रहता था, नॉर्मली उसके जितने भी डीलिंग्स होते थे, ट्रांसफर्स होते थे, वो विद इन द लोकल सिटी होता था, और अब पता चल रहा है कि मॉरिशियस से उसका ट्रांजैक्शन हो रहा है। हिज ट्रांजैक्शन विद द बैंक इज कनेक्टेड विद ए फॉरेन ऑरिजिन, तो वो भी क्या हो सकता है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो सकता है। तो कुछ भी ऐसा जो कॉम्प्लेक्स है, कुछ भी ऐसा जो जस्टिफाइड नहीं लग रहा। एक बंदा क्या कर रहा है यार, पैसा एफडी में लगा रहा है, एफडी से तोड़ रहा है, फिर गोल्ड में लगा रहा है, फिर गोल्ड से फिर गोल्ड को रिडीम कर रहा है, फिर पैसा कहीं और लगा रहा है, तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन का सीरीज क्रिएट कर रहा है, तो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन। तो कोई भी अगर ऐसा सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है, चाहे वो कैश में हो या नॉन कैश में हो, उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करना है। और फाइनली बोला गया है, All transactions involving receipts by non-profit organizations of value more than 10 lakh rupees or its equivalent in foreign currency. तो जितने भी नॉट प्रॉफिट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओज है, अगर इनको 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा रिसिप्ट मिल रहा है, तो कोई भी अगर नॉन पीओ है, एनपीओ है, और अगर इनको 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का क्या मिल रहा है, रिसिप्ट मिल रहा है और इट्स इक्विवेलेंट इन फॉरेन करेंसी, तो उसका भी क्या करना है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है। बिकॉज आज की तारीख में हमने देखा है कि ज्यादातर जो फ्रॉड्स वगैरह होते हैं ना, वो एनपीओस के थ्रू रूट होता है, तो इसलिए पार्टिकुलरली एनपीओस के केस में रिक्वायरमेंट दिया हुआ है कि अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा का रिसिप्ट है तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो इन सारी चीजों का जो रिकॉर्ड्स है वो रिपोर्टिंग एंटिटी को मेंटेन करना है। कैश ट्रांजेक्शंस के आप देखो 3 पॉइंट हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, राइट, चौथा सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, और पांचवा एनपीओ के केस में रिसिप्ट। और फिर सस्पिशियस ट्रांजेक्शन का मतलब दिया हुआ इन्होंने कि व्हाट डू यू मीन बाय सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रूल 2G। तो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन मीन्स अ ट्रांजेक्शन रेफर्ड टू इन सेक्शन 2H इंक्लूडिंग एन अटेम्प्टेड ट्रांजेक्शन। अगर एक बंदे ने कोशिश करा है टू एंटर इनटू अ सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, भले ही वो कामयाब ना हुआ हो, तब भी उसको यहां पे पकड़ लेंगे हम लोग, मानेंगे कि उसने सस्पिशियस ट्रांजेक्शन एंटर किया है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा कैश में गया, बैंक में गया 10 लाख रुपए अपने अकाउंट में जमा करने के लिए, अब 10 लाख रुपए जमा नहीं कर पाया, उससे पहले ही उस पर डाउट हो गया, तो अटेम्प्टेड सस्पिशियस ट्रांजेक्शन में आ गया। एक बंदा कोशिश कर रहा था वो कॉम्प्लेक्स रिस्क क्रिएट करने का, बट वो कोशिश कर रहा था इससे पहले कि वो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता, सामने वाले ने आइडेंटिफाई कर लिया, तो वो भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन की लिस्ट में आएगा कि भैया तुमने अटेम्प्ट क्यों किया। तो सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस मीन्स ट्रांजेक्शंस रेफर्ड टू इन सेक्शन 2H इंक्लूडिंग एन अटेम्प्टेड ट्रांजेक्शन वेदर और नॉट मेड इन कैश विच टू ए पर्सन एक्टिंग इन गुड फेथ गिव्स राइज टू ए रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन दैट मे इन्वॉल्व द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू इन्वॉल्व। बोला वैल्यू कितना भी इन्वॉल्व हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 50 करोड़ हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर वहां पे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इन्वॉल्व है, वो जो क्रिमिनल एक्टिविटीज का लिस्ट था उसमें से कुछ इन्वॉल्व है, राइट, जो शेड्यूल ऑफ द एक्ट में दिया हुआ है उनमें से कुछ इन्वॉल्व है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस में वो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन में आ सकता है। या फिर अपीयर्स टू बी मेड इन सर्कमस्टेंसेस ऑफ अनयूजुअल और अनजस्टिफाइड कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब बिल्कुल अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस है, अनजस्टिफाइड है, बिल्कुल उसका कोई इकोनॉमिक रैशनल नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तो वहां भी वो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन की लिस्ट में आ सकता है। अपीयर्स टू हैव नो इकोनॉमिक रैशनल और बोनाफाइड पर्पस और gives rise to a reasonable ground of suspicion that it may involve financing of the activities relating to terrorism, या फिर ऐसा कोई शक हो रहा है कि भैया वहां पे टेररिज्म को फाइनेंस किया जा रहा है, तो वो भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन हो रहा है जिसका कोई इकोनॉमिक रैशनल है ही नहीं, कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं, राइट, तो वो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन की लिस्ट में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पता चल रहा है कि मेरा एजुकेशनल बिजनेस है और मैं 50 लाख रुपए का आइसक्रीम परचेज कर रहा हूं मंथ का, और 50 लाख रुपए का पेमेंट कर रहा हूं टू परचेज आइसक्रीम फॉर माई बिजनेस, तो भैया वो एक ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसका कोई इकोनॉमिक रेशनल ही नहीं है। साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का लिंक हो सकता है यहाँ पे, कि सानिधा सर 50 लाख का आइसक्रीम क्या करेंगे, 5 लाख का पेन ड्राइव खरीदते समझ में आता, 5 लाख की किताबें खरीदते समझ में आता, बट आइसक्रीम का क्या रिलेशन है बिजनेस से, है ना? तो appears to have no economic rationale for bona fide purpose, appears to be made in circumstances of unusual or unjustified complexity.
और फिर रूल फोर के अंदर बोला हुआ है कि रिकॉर्ड्स के अंदर ना प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगा अबाउट नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड पार्टीज ऑफ ट्रांजेक्शन. तो कैश ट्रांजेक्शन था, नॉन कैश ट्रांजेक्शन था, डिपॉजिट था, मनी ट्रांसफर था, कितना अमाउंट इन्वॉल्व था, कौन सी तारीख में ट्रांजेक्शन हुई है, कौन कौन से पार्टीज इन्वॉल्व थे ट्रांजेक्शन के अंदर, ये सारा रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन करके चलना है. उसके बाद वी हैव रूल 5, प्रोसीजर एंड मैनर ऑफ मेंटेनिंग इन्फॉर्मेशन. रिकॉर्ड्स हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों में मेंटेन किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एंड मैनर स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेटर. फॉर एग्जांपल बैंक है तो वो आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट है हार्ड कॉपी में मेंटेन करना है, सॉफ्ट कॉपी में मेंटेन करना है, वो सारा कुछ फॉलो करेगा. और साथ ही साथ इंटरनल मैकेनिज्म बैंकिंग कंपनी डेवलप करेंगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंटरमीडियरीज डेवलप करेंगे टू मेंटेन सच इन्फॉर्मेशन. तो जो भी प्रोसीजर रेगुलेटर बताएगा प्लस द इंटरनल मैकेनिज्म एडॉप्टेड बाय द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और द इंटरनल मैकेनिज्म एडॉप्टेड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरमीडियरी. उसके बाद देखना यहाँ पे पॉमला के अंदर ना 5 नए सेक्शन एडेड है, हालांकि ज्यादा काम का कुछ नहीं है. इफ यू रिमेंबर जो हमने पूरा चैप्टर स्टडी किया था सेक्शन 55 से लेकर 57 तक, जो एक कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट वाला चैप्टर था, है ना, जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट वाला कि हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के साथ एक ट्रीटी एंटर करता है कि हम लोग क्या करेंगे, आपस में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करेंगे सो दैट मनी लॉन्ड्रिंग एक दूसरे के देश में ना हो पाए, या फिर एक दूसरे के देश के अंदर अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है तो वहां पे गिल्टी लोगों को पकड़ा जा सके. तो जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था कि मान लो भाई सपोज मैंने क्रिमिनल एक्टिविटी करके कुछ पैसा कमाया और बाद में प्रॉपर्टी जाके दुबई में परचेज कर ली, तो दुबई गवर्नमेंट के साथ अगर गवर्नमेंट का वहां पर अंडरस्टैंडिंग है, ट्रीटी है, तो वहां पे दुबई गवर्नमेंट, दुबई के अंदर मेरी प्रॉपर्टी का पता लगाने के लिए यहां की गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, दुबई गवर्नमेंट की हेल्प लेनी होगी. यहां की गवर्नमेंट को क्या करना होगा, दुबई गवर्नमेंट की हेल्प लेनी होगी. एंड सिमिलरली अगर दुबई का एक बंदा इंडिया में प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है फ्रॉम द ब्लैक मनी ही हैज अर्न्ड इन दुबई, तो अगर दुबई के गवर्नमेंट को उस व्यक्ति का पता लगाना है तो उसको इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प लेनी होगी. तो वो लोग क्या कर लेते हैं, आपस में एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और एक दूसरे को असिस्ट करते हैं, राइट, दे असिस्ट इच अदर. तो उसी के रेफरेंस में यहाँ पे सेक्शन ऐड हुए, सेक्शन 58A, सेक्शन 58B, सेक्शन 60, 61, 67, 68. तो सेक्शन 58A क्या है, स्पेशल कोड टू रिलीज द प्रॉपर्टी, स्पेशल कोड टू रिलीज द प्रॉपर्टी वेयर ऑन क्लोजर ऑफ द क्रिमिनल केस और कंक्लूजन ऑफ ए ट्रायल इन क्रिमिनल कोर्ट आउटसाइड इंडिया अंडर द करस्पॉन्डिंग लॉ ऑफ एनी कंट्री सच कोर्ट फाइंड दैट द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हैज नॉट टेकन प्लेस और द प्रॉपर्टी इन इंडिया इज नॉट इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग द स्पेशल कोर्ट मे ऑन एप्लीकेशन मूव बाय द कंसर्न पर्सन और द डायरेक्टर आफ्टर नोटिस टू द अदर पार्टी ऑर्डर रिलीज ऑफ सच प्रॉपर्टी टू ए पर्सन इंटाइटल टू रिसीव इट. क्या मतलब हो गया इसका, स्पेशल कोर्ट टू रिलीज सच प्रॉपर्टी. बोले कि कोई क्रिमिनल केस चल रहा था इंडिया के बाहर, कोई क्रिमिनल केस चल रहा था इंडिया के बाहर, मान लो दुबई के अंदर मेरा एक केस चल रहा था, ठीक है, और दुबई गवर्नमेंट का ये एलिगेशन था वहां पे कि भाई सानिध्य सराफ ने यहाँ पे मुंबई में कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रखा है फ्रॉम द ब्लैक मनी ही हैज अर्न्ड इन दुबई, राइट, एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो स्पेशल कोर्ट था, यहाँ पे जो स्पेशल कोर्ट था उसने उस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट किया हुआ था, जब्त किया हुआ था, बिकॉज मेरे अगेंस्ट वो केस चल रहा था, कार्रवाई चल रही थी, बट वो कार्रवाई हो गया क्लोज, वो जो ट्रायल है वो हो गया कंक्लूड इन दैट क्रिमिनल कोर्ट आउटसाइड इंडिया, और ये पाया गया कि मैं दोषी नहीं हूं और वो जो प्रॉपर्टी है जिसकी बात हो रही थी जो बॉम्बे के अंदर बेस्ड है, जो बॉम्बे के अंदर लोकेटेड है, वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं है, वो मनी लॉन्ड्रिंग में क्या नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है. तो इन दैट पार्टिकुलर सिनेरियो क्या बोला गया है, द स्पेशल कोर्ट मे ऑन एप्लीकेशन मूव बाय द कंसर्न पर्सन और द डायरेक्टर आफ्टर नोटिस टू द अदर पार्टी ऑर्डर रिलीज ऑफ सच प्रॉपर्टी टू द पर्सन एंटाइटल टू रिसीव इट. तो स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, फाइनली ऑर्डर जारी कर देगा टू रिलीज सच प्रॉपर्टी, कि भाई जिसके जिसकी वो प्रॉपर्टी जेन्युइनली है उस बंदे को वो प्रॉपर्टी दोबारा से मिल जाए. तो स्पेशल कोर्ट वहां पर क्या कर देगा, प्रॉपर्टी को रिलीज करने का ऑर्डर दे देगा. उसके बाद वी हैव सेक्शन 58B, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट और अथॉरिटी फॉर कॉन्फिस्केशन और रिलीज द प्रॉपर्टी. लेटर ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट और अथॉरिटी फॉर कॉन्फिस्केशन और रिलीज द प्रॉपर्टी. तो यहां पे बोला हुआ है कोई ट्रायल चल रहा है अंडर द करस्पॉन्डिंग लॉ ऑफ एनी अदर कंट्री, तो कोई कार्रवाई चल रही है, बट वो कार्रवाई कंक्लूड नहीं हुआ. पहले केस में क्या हुआ था, कार्रवाई कंक्लूड हो गया था और ये डिसाइड हो गया था कि जो प्रॉपर्टी है वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं है, बट यहां पे कार्रवाई कंप्लीट नहीं हो पाया. क्यों नहीं हो पाया, मे बी अक्यूज्ड की डेथ हो गई, मे बी अक्यूज्ड को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया, या किसी भी दूसरे वजह से उस कार्रवाई को कंप्लीट नहीं किया जा सका था, कंक्लूशंस कुड नॉट बी कंप्लीटेड. तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्रेस ऑफ द केस, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, वी डोंट नो कि जब व्यक्ति का डेथ हुआ तो वो केस कहां खड़ा है, जब वो केस जब उस व्यक्ति का डेथ हुआ
उस स्टेज के अंदर ऐसा भी लग सकता है कि यार वो जो प्रॉपर्टी है वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं है, प्रॉपर्टी को रिलीज कर देना चाहिए, या ऐसा भी लग सकता है कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, इसको कॉन्फिस्केट कर देना चाहिए, है ना। तो यहां पे क्या होने वाला है कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है ना, वहां से लेटर ऑफ रिक्वेस्ट मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट लेटर ऑफ रिक्वेस्ट देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट कभी भी यहाँ के स्पेशल कोर्ट को डायरेक्टली लेटर नहीं दे सकता, वो क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को हमेशा लेटर देगा, राइट, क्योंकि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस लेटर को डायरेक्टर को फॉरवर्ड करेगा, और फिर डायरेक्टर उस एप्लीकेशन को स्पेशल कोर्ट को फॉरवर्ड करेगा, और फाइनल पार हमेशा स्पेशल कोर्ट एक्साइज करेगा। तो जो प्रोसेस है वो हमेशा यही चलता है कि सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट आता है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट यहाँ पे क्या करता है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, एप्लीकेशन फॉरवर्ड करता है डायरेक्टर को, फिर जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर क्या करता है, उस चीज को फॉरवर्ड करता है स्पेशल कोर्ट को, और फाइनली स्पेशल कोर्ट जो है, फाइनली जो स्पेशल कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट क्या करता है, ऑर्डर्स देता है। स्पेशल कोर्ट क्या करता है, ऑर्डर्स देता है। तो यहाँ पे यही वाली चीज होने वाली है कि जो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरवर्ड करेगा डायरेक्टर को, और डायरेक्टर के थ्रू आएगा स्पेशल कोर्ट के पास, और स्पेशल कोर्ट फाइनली क्या करेगा, अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करेगा कि प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करना है या प्रॉपर्टी को रिलीज कर देना है बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। तो सेक्शन 58B इज कि वो जो ट्रायल है वो कंक्लूड नहीं हो पाया क्योंकि अक्यूज्ड की डेथ हो गई या फिर अक्यूज्ड को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मान लिया गया। उसके बाद वी हैव सेक्शन 60, अच्छा सेक्शन है, अटैचमेंट सीजर एंड कॉन्फिस्केशन एक्सेस्ट्रा ऑफ ए प्रॉपर्टी इन ए कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। तो यहां पे क्या हुआ है, अटैचमेंट सीजर एंड कॉन्फिस्केशन एक्सेस्ट्रा ऑफ ए प्रॉपर्टी इन ए कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, कि जो प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के अंदर है उसको अटैच करने का ऑर्डर पास किया जा रहा है, सीज करने का ऑर्डर पास किया जा रहा है, नाम से पता चल रहा है। तो ऑर्डर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट वेयर द डायरेक्टर हैज मेड एन ऑर्डर फॉर अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 5 और फ्रीजिंग अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1A, और एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी हैज मेड एन ऑर्डर रिलेटिंग टू ए प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 8 और वेयर स्पेशल कोर्ट हैज मेड एन ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन रिलेटिंग टू ए प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन 5 और सेक्शन 8 सबसेक्शन 6 एंड सच प्रॉपर्टी सस्पेक्टेड टू बी इन अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट द स्पेशल कोर्ट ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द डायरेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर एज द केस मे बी इश्यू ए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू ए कोर्ट और ऑथोरिटी इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सच ऑर्डर। तो भैया यहां पे क्या हो रहा है, जो भी डायरेक्टर है एडमिनिस्ट्रेटर, उसको लग रहा है कि सानिध्य सराफ का जो प्रॉपर्टी दुबई में है ना वो पक्का 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 क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, और उस प्रॉपर्टी को क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली यहां पे क्या किया जा रहा है, द डायरेक्टर हैज मेड एन ऑर्डर फॉर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 5। तो हमने सेक्शन 5 के अंदर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट देखा था सेक्शन 5 सेक्शन 8, या फिर फ्रीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 है, या फिर एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी ने क्या किया था, ऑर्डर पास किया था रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 8, या फिर स्पेशल कोर्ट ने क्या किया था, उस कॉन्फिस्केशन के ऑर्डर को कंफर्म किया था अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन 5 और सेक्शन 6, लेकिन वो प्रॉपर्टी कहां पे है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है। तो अब कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के अंदर रेलिवेंट ऑथोरिटी है उसको लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा, एंड सच प्रॉपर्टी सस्पेक्टेड टू बी इन अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट द स्पेशल कोर्ट ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द डायरेक्टर और द एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सबसेक्शन 10 एज द केस मे बी मे इश्यू ए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू ए कोर्ट और एन ऑथोरिटी इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सच ऑर्डर। और जब लेटर ऑफ रिक्वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव करेगा फ्रॉम ए कोर्ट और अथॉरिटी इन ए कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट रिक्वेस्टिंग द अटैचमेंट सीजर फ्रीजिंग और कॉन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन इंडिया डिराइव्ड और ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी पर्सन फ्रॉम द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर ए करस्पॉन्डिंग लॉ कमिटेड इन दैट कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे फॉरवर्ड सच ए लेटर सच ए रिक्वेस्ट टू द डायरेक्टर एज इट मे थिंक फिट फॉर एग्जीक्यूशन इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो अगर एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट रिसीव किया जा रहा है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम ए कोर्ट और अथॉरिटी इन ए कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट रिक्वेस्टिंग अटैचमेंट सीजर फ्रीजिंग और कॉन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन इंडिया डिराइव्ड और ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी पर्सन फ्रॉम द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर ए करस्पॉन्डिंग लॉ कमिटेड इन दैट कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे फॉरवर्ड सच लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू द डायरेक्टर एज इट थिंक्स फिट फॉर एग्जीक्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। और फिर क्या बोला जा रहा है, property involved in money laundering stands to be confiscated to the central government। अब वो जो criminal case अगर वो conclude होता है और finally पता चलता है कि वो जो property है वो money laundering में involved है, तो वो जो property है वो central government के हवाले transfer हो जाएगा।
दैट विल स्टैंड ट्रांसफर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है? भारत के सरकार की बात हो रही है. तो फॉर द टाइम बिंग क्या किया जाएगा? फॉर द टाइम बिंग दैट प्रॉपर्टी शैल स्टैंड कॉन्फिस्केटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो वेयर ऑन क्लोजर ऑफ द क्रिमिनल केस और कंक्लूजन ऑफ ट्रायल इन अ क्रिमिनल कोर्ट आउटसाइड इंडिया अंडर द करस्पॉन्डिंग लॉ ऑफ एनी अदर कंट्री, सच कोर्ट फाइंड्स दैट द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अंडर द करस्पॉन्डिंग लॉ ऑफ दैट कंट्री हैज बीन कमिटेड, द स्पेशल कोर्ट शैल ऑन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन फ्रॉम द डायरेक्टर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्फिस्केशन ऑर्डर आफ्टर गिविंग नोटिस टू द अफेक्टेड पर्सन्स दैट सच प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग और विच हैज बीन यूज्ड फॉर द कमीशन ऑफ ऑफेंस शैल स्टैंड कॉन्फिस्केटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, शैल स्टैंड कॉन्फिस्केटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. और अब फाइनली क्या होगा? अब डायरेक्टर क्या करने वाला है? अब डायरेक्टर रिसीव करेगा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट अंडर सेक्शन 58 ऑफ 59. नाउ आफ्टर रिसीविंग द लेटर ऑफ रिक्वेस्ट अंडर सेक्शन 58 ऑफ 59, अब डायरेक्टर उन सारी अथॉरिटीज को डायरेक्ट करेगा जो कि डायरेक्टर के अंदर आती हैं कि आप सारे के सारे स्टेप्स लें और उस प्रॉपर्टी की वो छानबीन करें, उस प्रॉपर्टी का पता लगाएं, ट्रेस करें उस प्रॉपर्टी को, आइडेंटिफाई करें उस प्रॉपर्टी को कि उस प्रॉपर्टी को खरीदने का पैसा कहां से आया था, वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, सब कुछ उस प्रॉपर्टी के बारे में पता लगाएं और जो भी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन सर्वे बन सकता है वो सारा कुछ करें उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग में. तो द स्टेप्स में इंक्लूड एन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन और सर्वे इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन प्लेस प्रॉपर्टी एसेट्स डॉक्यूमेंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन एनी बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी अदर रेलिवेंट मैटर्स. एनी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन और सर्वे शैल बी कैरिड आउट बाय एन अथॉरिटी इन अकॉर्डेंस विद सच डायरेक्शंस इश्यूड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट. उसके बाद बोला गया द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू अटैचमेंट एडजुडिकेशन कॉन्फिस्केशन एंड वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट contained in chapter 3 and survey searches and seizures contained in chapter 5 shall apply to a property in respect of which letter of request is received from a court or contracting state. और फाइनली अब वो जो प्रॉपर्टी है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कॉन्फिस्केट हो गया. अब सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना है? कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को या तो वो प्रॉपर्टी रिटर्न कर देना है या वो प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं हो सकता तो जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह के खर्चे हैं उसको काट कर कंपेंशिएट कर देना है. तो वेयर एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया इज कॉन्फिस्केटेड एज अ रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए रिक्वेस्ट फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट में आदर रिटर्न सच प्रॉपर्टी टू द रिक्वेस्टिंग स्टेट और कंपेंशेट दैट स्टेट बाय डिस्पोजल ऑफ सच प्रॉपर्टी ऑन म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स दैट विल टेक इन टू अकाउंट डिडक्शन फॉर रिजनेबल एक्सपेंसिस इनकर्ड इन इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स लीडिंग टू द रिटर्न और डिस्पोजल ऑफ द कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे देखो जो प्रोसेस है वो किस तरीके से चल रहा है कि जो भी डायरेक्टर या एडमिनिस्ट्रेटर है जो सेक्शन 10 के अंदर अपॉइंटेड है उसने ऑर्डर तो पास कर दिया टू अटैच द प्रॉपर्टी या फ्रीज द प्रॉपर्टी या कॉन्फिस्केट द प्रॉपर्टी, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि उनको पता नहीं था कि ये जो प्रॉपर्टी है ये कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है, ये प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है ही नहीं. तो फिर वो क्या करेंगे? एप्लीकेशन देंगे स्पेशल कोर्ट को. वो क्या करेंगे? एप्लीकेशन देंगे स्पेशल कोर्ट को जो हमारे देश का स्पेशल कोर्ट है कि ऐसे ऐसे जो फलाना प्रॉपर्टी है वो मॉरिशस में है या दुबई में है और अकॉर्डिंगली हमें उसे कॉन्फिस्केट करना है, अटैच करना है. तो अब जो स्पेशल कोर्ट है वो क्या करेगा? लेटर ऑफ रिक्वेस्ट देगा फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सच ऑर्डर टू ए कोर्ट ऑफ द अथॉरिटी इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट. तो अब स्पेशल कोर्ट क्या कर रहा है? लेटर ऑफ रिक्वेस्ट दे रहा है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सच ऑर्डर टू ए कोर्ट ऑफ द अथॉरिटी इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट. फिर जो कोर्ट ऑफ द अथॉरिटी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में बैठा है वो क्या करेगा? फॉरवर्ड करेगा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. वो क्या करेगा? फॉरवर्ड करेगा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? फॉरवर्ड करेगा सच रिक्वेस्ट टू द डायरेक्टर. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? फॉरवर्ड करेगा सच रिक्वेस्ट टू द डायरेक्टर फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर इन द मैनर इट डिम्स अप्रोप्रिएट. फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर इन द मैनर इट डिम्स अप्रोप्रिएट. सो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द फ्लो कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो डायरेक्टर है जिसने अटैचमेंट फ्रीजिंग कॉन्फिस्केशन ऑर्डर दिया, उसे पता चला कि प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है तो वो स्पेशल कोर्ट को एप्लीकेशन दे रहा है. स्पेशल कोर्ट यहाँ पे लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सच ऑर्डर दे रहा है कोर्ट की अथॉरिटी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को. फिर जो कोर्ट अथॉरिटी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है वो फॉरवर्ड कर रहा है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट उसे फॉरवर्ड कर रहा है डायरेक्टर को एंड अकॉर्डिंगली फिर वो डिसीजन लिए जा रहे हैं, राइट? तो इस तरीके से घूम फिर के मामला आ रहा है. उसके बाद वी हैव सेक्शन 61 प्रॉपर्टी प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट. ज्यादा कुछ काम का नहीं है, सिर्फ रीड करने का है. एवरी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट समॉन्स और वारंट्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम एंड एवरी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट समॉन्स और वारंट्स टू बी ट्रांसमिटेड टू अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट शैल बी ट्रांसमिटेड टू अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट और एज द केस मे बी सेंड टू द कंसर्न्ड कोर्ट इन इंडिया एंड इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज अ सीजी बाय नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई. ज्यादा काम का नहीं है, स्ट्राइक ऑफ कर सकते हो. सेक्शन 67 बार ऑफ सूट्स इन सिविल कोर्ट्स. तो अगेन कहीं भी सिविल कोर्ट का कोई भी इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं होगा, कहीं भी सिविल कोर्ट का कहीं भी इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं होगा, जैसा कि अपन सारे लॉज में देखते ही हैं. सेक्शन 68 नोटिस एक्सेट्रा नॉट टू बी इनवैलिड ऑन सर्टन ग्राउंड्स.
तो अगेन अगर माइनर मिस्टेक्स थे नोटिस के अंदर, नोटिस के इश्यूएंस में कोई माइनर मिस्टेक था, माइनर डिफेक्ट था, माइनर ओमिशन था, तो उसकी वजह से नोटिस को इनवैलिडेट नहीं माना जाएगा। मान लो एक डेट नोटिस जो दिया गया उसके अंदर डेट गलत लिखा गया या फिर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो इन माइनर मिस्टेक्स की वजह से नोटिस को इनवैलिडेट नहीं माना जाएगा, ज्यादा काम का नहीं है। उसके बाद वी हैव आर्बिट्रेशन एंड काउंसलेशन एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड काउंसलेशन एक्ट 1996। तो आर्बिट्रेशन के रिगार्डिंग तो आपने काफी कुछ डिस्कस किया था, अब यहाँ काउंसलेशन को लेकर कुछ सेक्शन एडेड है, काउंसलेशन को लेकर कुछ सेक्शन एडेड है। तो आप देखोगे सबसे पहले इन इंडिया काउंसलेशन इज गवर्न्ड बाय द आर्बिट्रेशन एंड काउंसलेशन एक्ट 1996 एंड बाय सेक्शन 89 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स 1908। सेक्शन 61 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड काउंसलेशन एक्ट 1996 स्टेट्स दैट एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ ए लीगल रिलेशनशिप वेदर कॉन्ट्रेक्चुअल और नॉट कैन बी काउंसिलेटेड। तो यहाँ पे बेसिकली काउंसिलेशन को लेकर कुछ सेक्शन एडेड है। इंपॉर्टेंट स्टैचुरी प्रोविजन एज कंटेन्ड इन आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट 1996 आर गिवन बिलो। सेक्शन 62 कमेंसमेंट ऑफ काउंसिलेशन प्रोसीडिंग्स, काउंसिलेशन प्रोसीडिंग्स कमेंस कैसे होंगी, और सेक्शन 76 टर्मिनेशन ऑफ काउंसिलेशन प्रोसीडिंग्स, के काउंसिलेशन प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट कैसे होंगी, है ना। तो ये दो सेक्शंस हैं जो काउंसिलेशन के रिस्पेक्ट में ऐड हुआ है। सेक्शन 62 काउंसिलेशन प्रोसीडिंग्स कमेंस कैसे होगा, और सेक्शन 76 काउंसिलेशन प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट कैसे होगा। तो एक चीज याद रखिएगा, काउंसिलेशन के अंदर ना हमेशा दोनों पार्टीज का म्यूचुअल कंसेंट चाहिए होता है। दोनों पार्टीज म्यूचुअली राजी हैं और राइटिंग में एग्री करती हैं, तब जाकर एक काउंसलर अपॉइंट किया जाता है और काउंसलिंग के थ्रू मामला सॉल्व होता है। लेकिन दोनों में से कोई भी एक पार्टी अगर मान लो बीच में भी मना कर देता है कि भाई आई एम नॉट हैप्पी विद द काउंसलेशन और मैं नहीं चाहता कि काउंसलेशन के थ्रू मामला सॉल्व हो, तो ये जो काउंसलेशन प्रोसीडिंग्स है वही टर्मिनेट हो जाता है। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन काउंसलेशन एंड आर्बिट्रेशन, राइट। तो सबसे पहले है सेक्शन 62 कमेंसमेंट ऑफ काउंसलेशन प्रोसीडिंग्स। तो सबसे पहले बोला गया कि एक पार्टी जो काउंसलेशन चाहता है वो दूसरे पार्टी को रिटर्न में इनविटेशन देगा कि भैया हमारा जो डिस्प्यूट है वो फलाने मुद्दे को लेकर है, फलाने चीज को लेकर है, और मुझे लगता है कि काउंसलेशन एक्ट के तहत काउंसलेशन प्रोसीडिंग्स के थ्रू हमारा मामला सॉल्व किया जा सकता है। तो एक पार्टी राइटिंग में क्या कर रहा है, दूसरे पार्टी को इन्विटेशन भेज रहा है, और फिर दूसरा पार्टी क्या करेगा, उस इन्विटेशन को पढ़ेगा और एक्सेप्टेंस दे देगा, तब जाकर क्या हो जाएगा, काउंसलेशन प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगा। लेकिन दूसरे पार्टी ने अगर रिजेक्ट कर दिया, दूसरे पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया, या फिर सामने वाले का जो इन्विटेशन है उसका जवाब नहीं दिया, 30 डेज से ज्यादा हो गया जवाब नहीं दिया, तो माना जाएगा कि उसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया इन्विटेशन को। एकदम सिंपल सी चीज है। तो एक पार्टी यहां पर रिटर्न इन्विटेशन भेजती है दूसरे पार्टी को, दूसरा पार्टी या तो एक्सेप्ट कर लेता है, जो इन्विटेशन भेजा जाता है वो भी राइटिंग में होता है, जो एक्सेप्टेंस आता है वो भी राइटिंग में होता है, तो काउंसलेशन कमेंस हो जाता है। लेकिन अगर एक पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया या 30 डेज के अंदर जवाब नहीं दिया तो उसको भी रिजेक्शन ही माना जाएगा। द पार्टी इनिशिएटिंग काउंसलेशन शैल सेंड टू द अदर पार्टी ए रिटन इन्विटेशन टू काउंसलेट अंडर दिस पार्ट ब्रीफली आइडेंटिफाइंग द सब्जेक्ट ऑफ द डिस्प्यूट। काउंसलेशन प्रोसीडिंग्स शैल कमेंस व्हेन द अदर पार्टी एक्सेप्ट्स इन राइटिंग द इन्विटेशन टू काउंसलेट। इफ द अदर पार्टी रिजेक्ट द इन्विटेशन देर विल बी नो काउंसलेशन प्रोसीडिंग्स। इफ द अदर पार्टी इनिशिएटिंग काउंसलिंग काउंसलेशन डज नॉट रिसीव ए रिप्लाई विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच ही सेंड्स द इन्विटेशन और विद इन सच अदर पीरियड स्पेसिफाइड इन द इन्विटेशन ही मे इलेक्ट टू ट्रीट दिस एज अ रिजेक्शन ऑफ द इन्विटेशन टू काउंसलेट एंड इफ ही सो इलेक्ट्स ही शैल इन्फॉर्म इन राइटिंग द अदर पार्टी अकॉर्डिंगली। मतलब सिंपल है, ज्यादा कुछ टेक्निकल नहीं है। उसके बाद वी हैव सेक्शन 76 टर्मिनेशन ऑफ काउंसलेशन प्रोसीडिंग्स। तो देखो यार ये जो काउंसलेशन प्रोसीडिंग्स है ये टर्मिनेट कब होगा, तो अल्टीमेटली जब दोनों पार्टीज मान जाए, जो काउंसलर का फैसला है उसको एग्री कर जाए, फाइनली दे एग्री टू कम टू एन सेटलमेंट, फाइनली दे एग्री टू कम टू ए सेटलमेंट और दोनों पार्टी साइन कर दे सेटलमेंट एग्रीमेंट, तो अपने आप ही काउंसलेशन प्रोसीडिंग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। या फिर काउंसलेटर को लगता है कि भैया, काउंसलेटर को लगता है, मान लो काउंसलेशन चल रहा है वहां पे और काउंसलेटर को लगता है कि भैया डिस्प्यूट तो सॉल्व नहीं हो रहा काउंसलेशन से, और अब ये कितना भी काउंसलेशन प्रोसीडिंग्स के थ्रू मामले को तुम घसीट लो बट इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। सो इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन काउंसलेटर क्या कर सकता है, रिटन डिक्लेरेशन दे सकता है आफ्टर कंसल्टिंग विद द पार्टीज कि भैया जो भी फर्दर एफर्ट्स है काउंसलेशन में वो लगाना बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, बेकार है, एंड अकॉर्डिंगली हम काउंसलेशन प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट कर रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पार्टीज आपस में एग्री होकर एक रिटर्न डिक्लेरेशन दे रही हैं काउंसलेटर को कि हम काउंसलेशन प्रोसीडिंग से बाहर आना चाहते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक पार्टी खाली राइटिंग में दे दे दूसरे पार्टी को और काउंसलेटर को कि मैं काउंसलेशन का प्रोसीडिंग है उससे बाहर आना चाहता हूं। बिकॉज अल्टीमेटली काउंसलेशन में क्या होगा कि इट हैज टू बी विन विन डिसीजन बिटवीन बोथ ऑफ देम, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए रिटर्न में। तो या तो दोनों पार्टीज मना कर रही है राइटिंग में काउंसलर को बता रही है, या एक पार्टी भी मना कर रहा है दूसरे पार्टी को बता रहा है काउंसलेटर को बता रहा है, तो इन पार्टिकुलर केसेस के अंदर टर्मिनेशन ही माना जाएगा, टर्मिनेशन ऑफ काउंसलेशन प्रोसीडिंग्स ही माना जाएगा।
सेक्शन 76 टर्मिनेशन ऑफ काउंसिलेशन प्रोसीडिंग्स, द काउंसिलेशन प्रोसीडिंग शैल बी टर्मिनेटेड बाय द साइनिंग ऑफ द सेटलमेंट एग्रीमेंट बाय द पार्टीज ऑन द डेट ऑफ द एग्रीमेंट और बाय रिटन डिक्लेरेशन ऑफ द काउंसिलेटर आफ्टर कंसल्टिंग विद बोथ द पार्टीज टू द इफेक्ट दैट फर्दर एफर्ट्स एट काउंसिलेशन आर नो लॉन्गर जस्टिफाइड ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन और बाय रिटन डिक्लेरेशन ऑफ द पार्टीज एड्रेस टू द काउंसिलेटर टू द इफेक्ट दैट काउंसिलेशन प्रोसीडिंग्स आर टर्मिनेटेड ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन और बाय रिटन डिक्लेरेशन ऑफ ए पार्टी टू द अदर पार्टी एंड द काउंसिलेटर इफ अपॉइंटेड टू द इफेक्ट दैट द काउंसिलेशन प्रोसीडिंग्स आर टर्मिनेटेड ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। उसके बाद आईबीसी कोड है, तो आईबीसी कोड 2016 के अंदर बेसिकली एक दो छोटे मोटे क्लैरिफिकेशन है। सबसे पहले रेगुलेशन 17 ऑफ आईबी, रेगुलेशन 17 ऑफ द इनसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट पर्संस, फर्स्ट मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स। तो यहां पे बोला गया है द आईआरपी शैल होल्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कमिटी विद इन 7 डेज ऑफ फाइलिंग द रिपोर्ट एज मेंशनड अबव। तो ये चीज आपने पहले भी डिस्कस किया था। वेयर द अपॉइंटमेंट ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इज डिलेड, अगर यहाँ पे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट डिलेड हो गया है तो आईआरपी क्या करने वाला है, परफॉर्म करने वाला है फंक्शंस ऑफ द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल from the 40th day of the insolvency commencement date till a resolution professional is appointed under section 22. तो MCQ के लिए important हो सकता है कि अगर resolution professional के appointment में delay होता है तो IRP क्या करने वाला है, जो interim resolution professional है वही क्या करने वाला है, resolution professional के functions perform करने वाला है from the 40th day of the insolvency commencement date till a resolution professional is appointed under section 22. तो 40th day से वो क्या करने वाला है, आरपी के सारे functions discharge करने वाला है। उसके बाद we have regulation 18 meetings of the committee, a resolution professional may convene a meeting of the committee as and when he considers necessary and shall convene a meeting if a request to that effect is made by the members of the committee representing 33% of the voting rights. तो resolution professional क्या कर सकता है, कभी भी meeting of committee बुला सकता है जब भी उसे जरूरी लगे, अगर request किया गया है in writing by the members of the committee representing 33% of the voting rights। तो again ये भी MCQ के लिए काम की चीज है कि अगर 33% of the voting rights वाले लोग चाहते हैं तो resolution professional कभी भी meeting बुला सकता है। Regulation 25, voting by the committee. The resolution professional shall take a vote of the members of the committee present in the meeting on any item listed for voting after discussion on the same. At the conclusion of a vote at the meeting, the resolution professional shall announce the decision taken on items along with names of the members of the committee who voted for or against the decision or abstained from voting. ज़्यादा काम का नहीं है, बिल्कुल procedural है, right? कि जब भी किसी particular matter पे vote होगा और वो कंक्लूड हो जाएगा, वोटिंग कंक्लूड हो जाएगी, तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अनाउंस करना पड़ेगा क्या डिसीजन लिया गया है, किन लोगों ने उस चीज के फेवर में वोट किया, किन लोगों ने उस चीज के अगेंस्ट में वोट किया और किन लोगों ने वोटिंग से एब्सटेन किया। तो ज्यादा काम का नहीं है। रेगुलेशन 25A, वोटिंग बाय द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। तो अब जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है जो जाता है और वोट कास्ट करता है फाइनेंशियल क्राइटर की जगह, तो अल्टीमेटली फाइनेंशियल क्राइटर क्या करता है, अपनी जगह ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेजता है टू गो एंड कास्ट हिज वोट। तो अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, किस तरीके से वोटिंग करेगा, द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव शैल कास्ट हिज वोट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑन बिहाफ ऑफ ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर ही रिप्रेजेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 3A और सेक्शन 25A एज द केस में भी। तो जिस फाइनेंशियल क्रेडिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंगली वोट करेगा, उतना ही वोटिंग शेयर उसको मिलेगा। अगर वो मल्टीपल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के बिहाफ में गया तो उन फाइनेंशियल क्रेडिटर्स में जो मेजोरिटी डिसीजन है, जो भी मेजोरिटी डिसीजन है उसके अकॉर्डिंग ही क्या करने वाला है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपना वोटिंग कास्ट करने वाला है। अब ये जो अमेंडमेंट्स था ना आईबीसी कोड के अंदर, ये तो था टाइम पास, मैं बताऊं एक भी अमेंडमेंट काम का नहीं था, एक भी अमेंडमेंट काम का नहीं था, सिर्फ ये 40th डे वाला पॉइंट काम का था। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना ये काम का है, रेगुलेशन 40A एंड 40B, दिस इज द ओनली अमेंडमेंट जो आईबीसी कोड में आई विल से काम का है। तो देखना आईबीसी कोड के अंदर ना एक मॉडल टाइमलाइन दिया हुआ है फॉर कैरिंग आउट वेरियस एक्टिविटीज इन सीआईआरपी। अब अल्टीमेटली अगर अपने को जो प्रोसेस है वो विद इन 180 डेज खत्म करना है, 180 डेज या फिर प्लस 90 प्लस 60, तो वो जो टाइमलाइन दिया हुआ है उस टाइमलाइन के अंदर अगर अपने को आईबीसी प्रोसेस खत्म करना है तो अकॉर्डिंगली ना हर एक एक्टिविटी का एक टाइमलाइन होना जरूरी है। तो वो जो टाइमलाइन है वो अपने सिलेबस में नहीं है कि भाई उसके अंदर आईआरपी का अपॉइंटमेंट होता है, आरपी का अपॉइंटमेंट होता है, देन यू नो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम इश्यू किया जाता है। तो अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं और हर एक एक्टिविटी का एक टाइमलाइन है कि इतने टाइमलाइन के अंदर आप इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम इश्यू कर दीजिए, इतने में आईआरपी को अपॉइंट कर दीजिए, इतने में आरपी को अपॉइंट कर दीजिए। तो हर किसी का ना एक मॉडल टाइम फ्रेम है जो अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन टू एंश्योर कि वो जो मॉडल टाइमलाइन है वो कंप्लाई हो रहा है
और चीजें टाइम के अकॉर्डिंग हो रही हैं, तो अकॉर्डिंगली यहां पे ना 6 सेट ऑफ फॉर्म्स प्रिस्क्राइब किया गया है CIRP 1 to CIRP 6, कि जैसे ही कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी कंप्लीट होता है तो हर एक स्पेसिफिक एक्टिविटी के अगेंस्ट एक स्पेसिफिक फॉर्म है ना। तो देर आर स्पेसिफिक एक्टिविटीज इन द आईबीसी कोड और हर एक स्पेसिफिक एक्टिविटी के अगेंस्ट एक फॉर्म होगा सीआरपी 1 से 6 के बीच। तो क्या बोला गया है कि जैसे ही आप एक स्पेसिफिक एक्टिविटी खत्म करते हो, जैसे ही आप स्पेसिफिक एक्टिविटी खत्म करते हो, वैसे ही जो उसका स्पेसिफिक फॉर्म है सीआरपी 1 से 6 के बीच, वो 7 डेज के अंदर ना अथॉरिटी को सबमिट कर दीजिए, ताकि अथॉरिटी को पता चल जाए कि अच्छा जी ये अथॉरिटी कंप्लीट हो गया। ठीक है, दैट इज व्हाट दे हैव सेड। तो देखना है यहां पे वाइड सर्कुलर नंबर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अंडर रेगुलेशन 40A ऑफ द IBBI रेगुलेशंस 2016 प्रोवाइड्स ए मॉडल टाइमलाइन फॉर कैरिंग आउट वेरियस एक्टिविटीज इनवाइसेस इन अ सीआरपी प्रोसेस। रेगुलेशन 40B ऑफ द सीआरपी रेगुलेशंस रिक्वायर एन इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ऑब्लिक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल टू फाइल ए सेट ऑफ फॉर्म्स सीआरपी 1 टू सीआरपी 6 विदिन 7 डेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज टू इनेबल मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ सीआरपी। This implies that a form CIRP 1 to CIRP 6 would not be filed until the related activity is not completed. So ultimately CIRP 1 to 6 कब फाइल होगा? जब एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, आरपी को अपॉइंट कर दिया, ये वाला सीआरपी फॉर्म फाइल कर दो। आरपी अपॉइंट कर दिया, ये वाला सीआरपी फॉर्म फाइल कर दो। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम इशू कर दिया, ये वाला सीआरपी फॉर्म फाइल कर दो। लेकिन आप सोच के देखो, अगर एक्टिविटी कंप्लीट ही नहीं हो रहा तो सीआरपी फॉर्म फाइल भी तो नहीं हो रहा। एक्टिविटी कंप्लीट हो रहा तब तो सीआरपी फॉर्म फाइल हो रहा है, उससे पता चल रहा है कि हाँ जी एक्टिविटीज आर इन प्रोसेस। लेकिन अगर सीआरपी फॉर्म फाइल नहीं हो रहा तो उससे भी तो हमें पता नहीं चल रहा कि चीजें सही से हो रही हैं कि नहीं हो रही। तो अब एक नया फॉर्म फिर से उन्होंने डाला सीआरपी 7, बोला जो भी ड्यू डेट था फॉर द कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी, जो भी ड्यू डेट था ऑफ द कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी, अगर उस ड्यू डेट तक वो एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, अगर वो ड्यू डेट तक वो एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो आप सीआरपी 7 फाइल कर दीजिए विद इन 3 डेज। मान लीजिए लेटर से जो भी कैलकुलेशन वगैरह करते थे हम लोग डेज का, तो वो डेज का कैलकुलेशन वगैरह करके ऐसा बनता है कि 15 सितंबर तक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम इशू हो जाना चाहिए, बट 15 सितंबर तक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम इशू नहीं हुआ, दैट वाज द ड्यू डेट फॉर द इशुएंस ऑफ इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। तो सीआरपी 7 3 डेज के अंदर फाइल कर दीजिए, सीआरपी 7 3 डेज के अंदर फाइल कर दीजिए, यानी 18 सितंबर तक फाइल कर दीजिए। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद हर 30 डेज में सीआरपी 7 फाइल करते जाइए, हर 30 डेज में। मतलब 18 सितंबर को तो फाइल किया ही था, फिर अकॉर्डिंगली 17 अक्टूबर तक सीआरपी 7 फाइल कर दीजिए, राइट। फिर अकॉर्डिंगली 16 नवंबर तक सीआरपी 7 फाइल कर दीजिए, फिर अकॉर्डिंगली वो 15 दिसंबर या 16 दिसंबर जो भी डेट बनता है वहां तक सीआरपी 7 फाइल कर दीजिए। मतलब एक बार एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हुई तो उसके 3 डेज के अंदर, ड्यू डेज के 3 डेज के अंदर सीआरपी 7 फाइल कर दीजिए, ताकि अथॉरिटी को पता चल जाए कि एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हुआ, और उसके बाद हर 30 डेज के अंदर सीआरपी 7 फाइल करते जाइए। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। तो देखना ये टेबल के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे 4 कॉलम्स हैं, सीरियल नंबर, एक्टिविटी रिक्वायरिंग फाइलिंग ऑफ फॉर्म सीआरपी 7 इफ नॉट कंप्लीटेड बाय द स्पेसिफाइड डेट, टाइमलाइन फॉर फाइलिंग फॉर्म सीआरपी 7 फॉर द फर्स्ट टाइम, या फिर टाइमलाइन फॉर सब्सिक्वेंट फाइलिंग ऑफ फॉर्म सीआरपी 7। तो मान लीजिए पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं हुआ, पब्लिक अनाउंसमेंट कब तक करना पड़ता है? तो बोला गया कि जब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट होता है ना, वो इमीडिएटली पब्लिक अनाउंसमेंट करता है। इमीडिएटली का मतलब होता है वहां पे 3 वर्किंग डेज के अंदर, कि जो भी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है वो अपने अपॉइंटमेंट के 3 दिन के अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट करता है। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट कि जो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट होता है उसको हमने डिनोट किया यहां पे एज ए टी, और इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट ही वो डेट है जिस दिन रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट होता है। तो कुल मिलाकर कहानी क्या हो गया कि जो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट है उसके 3 डेज के अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट करना होता है ना। तो यहां पे जहां पे टी लिखा हुआ है इट मींस द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। तो पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं हुआ इन T+3 डेज, बिकॉज आइडियली T+3 डेज में पब्लिक अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए था, जिस दिन इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स कमेंस हुआ उसके 3 डेज के अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए था। या फिर आरपी का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है इन T+30 डे, तो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स कमेंस हो गया उसके बाद 30 डेज पार हो गए, आरपी का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम इशू करना पड़ता है विद इन 51 डेज ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट। तो 51 डेज पार हो गया पब्लिक अनाउंसमेंट को, लेकिन अभी तक भी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम इशू नहीं हुआ। तो ये तो हो गया सर एक्टिविटीज का लिस्ट। अब अपने को देखना है व्हाट इज द टाइमलाइन फॉर फाइलिंग सीआरपी 7। तो जो भी ड्यू डेट है प्लस 3 डेज, तो यहां पे ड्यू डेट क्या था, मान लो पब्लिक अनाउंसमेंट अपने को करना था लेट अस से 18 सितंबर को, 15 सितंबर वाज द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, तो इसमें हमने प्लस 3 कर दिया, यानी ड्यू डेट क्या हो गया 18 सितंबर। तो 18 सितंबर इज द ड्यू डेट जहां पे पब्लिक अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए थी, है ना। अब 18 सितंबर ड्यू डेट है तो इसके 3 डेज तक सीआरपी 7 फाइल करना है, यानी प्लस 3,
यानी 21 सितंबर तक CRP 7 यहाँ पे फाइल करना है, 21 सितंबर तक यहाँ पे CRP 7 फाइल करना है। तो अब यहाँ पे 21 सितंबर क्या हो गया, एक्स हो गया, 21 सितंबर क्या हो गया, एक्स हो गया। तो अब बोला गया सब्सिक्वेंट फाइलिंग का क्या टाइम होगा, x+30 डे, x+60 डे, x+90 डे एंड सो ऑन टिल द एक्टिविटी इज कंप्लीटेड। सिमिलरली अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी इज नॉट मेड बाय t+30 डे, तो अकॉर्डिंगली हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे टी हमें पता है 30 डे, तो अकॉर्डिंगली हम ड्यू डेट निकाल लेंगे। तो ड्यू डेट प्लस 3 डेज तक CRP 7 फाइल करना है, और फिर जो डेट निकल के आती है वो है एक्स, तो x+30 डे, x+60 डे, x+90 डे हमें सब्सिक्वेंट फाइलिंग्स ऑफ CRP 7 करना है। तो इस तरीके से यहाँ चार्ट के थ्रू इन्होंने पूरा प्रोसेस को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको आप ध्यान रख लेना, है ना। तो आईबीसी कोड के अंदर दिस इज द ओनली अमेंडमेंट दैट यू नीड टू रिमेंबर। तो लॉ के अंदर ऐसा जब देखोगे कुछ खास अमेंडमेंट्स नहीं है, जनरली प्रोसीजरल है। आरटीपी के थ्रू कुछ चीजें आई हैं और कुछ चीजें ऐसे स्टडी मैट के थ्रू आई हैं। आईबीसी में एक आधा काम का अमेंडमेंट है, सेबिल ऑर्डर के अंदर एक आधा काम का अमेंडमेंट है ना। तो यू से दैट आईबीसी के अंदर कुछ एक दो काम का है, सेबिल ऑर्डर के अंदर एक दो काम का है, डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग के चैप्टर में डोंट थिंक कुछ काम का है, रूल 6 के अंदर जो एडिशन था वो काम का है, एग्जम्पशन फ्रॉम ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, रूल 4 ऑमिट हो गया था उसमें कुछ सिग्निफिकेंट था नहीं, सेबिल ऑर्डर के जो अमेंडमेंट्स है वो ऑडिट में भी एप्लीकेबल है, लॉ में भी एप्लीकेबल है, तो एनीवेज आपने एक जगह पर है। इन्वेस्टिगेशन का जो अमेंडमेंट था विल से कि इतना काम का नहीं था, इतना ज्यादा खास नहीं था। काउंसलेशन प्रोसीडिंग्स के अंदर भी जो अमेंडमेंट था विल से इतना काम का नहीं है। पॉमला के अंदर जो अमेंडमेंट्स है वो काम के हैं, राइट, पॉमला के अंदर जो अमेंडमेंट्स है वो काम के हैं, मेनली पॉमला वाला अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सेबिल ऑर्डर के अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है, आईबीसी का ये जो रेगुलेशन है वो काम का है, बाकी जो अमेंडमेंट शीट है एनीवेज 14-15 पेज का ही है, तो अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इस वीडियो के अंदर भी हमने मुश्किल से 1.25 घंटे के अंदर सारे अमेंडमेंट्स कवर अप कर दिए हैं, तो एक बार इस वीडियो को अच्छे से आप क्या कर लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए, है ना। बिकॉज अगर एग्जाम के अंदर 4-5 नंबर भी आ जाए यहां से, तो इट जस्ट लाइक कि 1.25 घंटे का वीडियो देखकर आपको 4-5 नंबर मिल गया, 8 नंबर मिल गया, जो भी एग्जाम में आता है। सो अगेन यू डोंट नीड टू टेक द टेंशन ऑफ अमेंडमेंट्स, बिकॉज आप देख सकते हो कि अमेंडमेंट्स क्या है, बहुत ही ज्यादा मैनेजेबल है। फटाफट डाउनलोड कर लो अमेंडमेंट शीट, अगर अभी भी डाउनलोड नहीं किया है फ्रॉम apnamentor.com, अगर अभी भी आपको परेशानी हो रही है लॉ ऑडिट पढ़ने में, तो अकॉर्डिंगली अभी भी टाइम है। यू कैन सी द रिविजनरी वीडियोज, यू कैन गो फॉर द संजीवनी कोर्स ऑफ ऑडिट एंड लॉ, जहाँ 30 आवर्स के अंदर मैंने ऑडिट लॉ के लिए कंप्लीट कराया हुआ है, राइट। और एक एडवाइस करना चाहूंगा आपको, टाइम कम है और ये बचे हुए टाइम के अंदर ना मेक श्योर दैट आप कहीं भी किसी तरीके का नेग्लिजेंस नहीं कर रहे हैं। डू वट एवर इट टेक्स टू क्लियर योर सी एग्जामिनेशन, डू वट एवर इट टेक्स। आपको मल्टीपल रिविजन्स की जरूरत है, अपने आपको दरवाजे में बंद करें, रिविजन्स करें, टेस्ट दें, राइट, पेपर सॉल्व करें, क्लासेस लें, जो करना है करें, बट मेक श्योर कि आपको एग्जाम जरूर क्लियर करना है, बिकॉज जो अटेम्प्ट की वैल्यू है ना उसको आप रियलाइज नहीं कर सकते। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द अटेम्प्ट, आप जिस दिन सीए बनोगे उस दिन रियलाइज करोगे कि यार उस अटेम्प्ट की क्या वैल्यू थी। तो जो भी बचा हुआ टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करें, एंड मेक श्योर दैट यू क्लियर योर एग्जामिनेशन इन द अपकमिंग अटेम्प्ट ओनली।